हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका वीजी स्टडी हब पे। हमारा एफएम का रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो गया है सर। आई होप आप फॉलो कर रहे हो। आई होप आपने जो भी लास्ट मैंने डाला था लेक्चर आपने देख लिया है और उसके बाद ही आप ये लेक्चर देख रहे हो। ठीक है, तो ये पार्ट में ये लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या रिवाइज करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3। मैंने आपको बता दिया था कि सीक्वेंस थोड़ा सा अलग होगा, मैं नॉर्मल सीक्वेंस के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मेरा थोड़ा अलग से सीक्वेंस है, सिंप्लीफिकेशन किया हुआ है मैंने। तो चैप्टर 3 हम पहले स्टार्ट करेंगे, मतलब जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तीन चीज़ें हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। तो मैं पहले फाइनेंसिंग डिसीजन से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चैप्टर 3 एंड 4 हम पहले देखेंगे। तो ये चैप्टर 3 है, इसके बाद चैप्टर 4 आएगा, फिर डिविडेंड पॉलिसी पढ़ेंगे और उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मतलब कैपिटल बजटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, ये फ्लो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये पार्ट में, ये वीडियो में पूरा चैप्टर 3 हम पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर 3 पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको रिविजन नोट्स भी पूरा कवर करवाऊंगा और इसमें मैं आपको एंड गेम नोट्स में से पंच वर्ड्स भी लास्ट में, वीडियो के लास्ट में रिवाइज करवाऊंगा। तो वीडियो पूरा आपको देखना है, अच्छे से देखना है सर, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे आपके और अच्छे से पंच वर्ड्स भी रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो फॉर सिंप्लिसिटी मैंने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। हमारा जो डिस्कशन होगा वो तीन पार्ट्स में होगा। पहला पार्ट जो वीडियो का आएगा वो है अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर, कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या फीचर्स होने चाहिए, ये सारा हम कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम एक सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर थेरीज, जो डिस्कस करता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर रेलेवेंट है कि नहीं इन डिसाइडिंग द वैल्यू ऑफ फर्म, कि जब आप वैल्यू ऑफ फर्म निकालते हो तो उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई रोल होता है या नहीं होता है। तो उसमें चार अलग अलग थेरीज हम पढ़ेंगे और हम उसमें डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या होता है और आपको अच्छे से मैं डिटेल में रिवाइज करवाऊंगा। और थर्ड पार्ट आएगा लेवरेज। ठीक है, लेवरेज पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लेवरेज पढ़ेंगे, सबके फॉर्मुलेज भी मैं आपको बताऊंगा और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जाके अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, चलिए सर, तो ऐसे तीन पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट जो है अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर हम अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आ जाइए। आई होप आपने रिविजन नोट्स डाउनलोड कर लिए होंगे, टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने डाल दिए हैं। किसी को नहीं मिल रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं आपको डायरेक्टली जो लिंक है, गूगल ड्राइव के लिंक है, वो आपको मैं भेज दूंगा, बट नोट्स आपके पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। फटाफट वीडियो लाइक कर दो सर, पहले फटाफट वीडियो लाइक कर दो। ठीक है, हो सकता है मैं बोलना भूल जाऊं पर आप लाइक करना भूलना नहीं। ठीक है, चलिए सर स्टार्ट करें। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है और उसके क्या फीचर्स है हमको स्टार्ट करना है। जैसे मैंने आपको बता दिया था कि चैप्टर 1 में बता दिया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कि आपने पैसा कहाँ कहाँ से लाया है। ठीक है, जो मैंने आपको इसमें भी बता दिया था, याद आ रहा है, ये मैंने आपको बता दिया था कि पैसा देखो कहाँ कहाँ से आता है, डेट या इक्विटी, दो ही प्राइमरी सोर्स होते हैं, डेट या इक्विटी। प्रेफरेंस कैपिटल भी होता है आज की डेट में, बट जो भी थेरीज या जो भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चीजें पढ़ेंगे उसमें प्रेफरेंस कैपिटल काफी कम जगह पे उसका रेफरेंस आता है। ठीक है, मेनली दो ही चीजें होती हैं, डेट या इक्विटी। क्लियर है, तो ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है, मतलब पूरा पैसा आप कहां से ला रहे हो, क्या रेशो में ला रहे हो, उसका आपस का प्रपोर्शन कितना है टोटल कैपिटल में, उसको कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। और ये आपको खुद डिसाइड करना होता है कि आपको कहां से कितना पैसा लाना है, इसी को आप फाइनेंसिंग डिसीजंस कहते हो। फाइनेंसिंग डिसीजंस में आप यही डिसाइड करते हो कि कहां से कितना पैसा लाना है, टोटल कैपिटल कितना आपको चाहिए, पहले आपको ये एस्टिमेट करना होता है कि मेरा रिक्वायरमेंट कितना है कैपिटल का, और फिर आप डिसाइड करते हो कि कहां से कितना लाना है, यही होता है फाइनेंसिंग डिसीजंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है सर। मींस द स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उसका ब्रेकअप या उसका जो पार्ट्स हैं, कॉम्पोनेंट्स हैं, और ब्रेकअप ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म। कैपिटल एम्प्लॉयड कंसिस्ट ऑफ बोथ ओनर्स कैपिटल यानी इक्विटी एंड द डेट कैपिटल यानी बाहर का पैसा, खुद का पैसा, बाहर का पैसा, ऐसे दो पार्ट्स उसके होते हैं। डेट का मतलब क्या है सर, लॉन्ग टर्म डेट। यहाँ पे भी काफी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अकाउंट्स में हो सकता है हल्का फुल्का रेशो एनालिसिस में आपको इसमें दिक्कत हो, बट सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि ये लॉ बेस्ड नहीं है, ये कंसेप्ट बेस्ड है, ठीक है, ध्यान देना, ये लॉ बेस्ड नहीं है, कंसेप्ट बेस्ड है। तो डेट जब भी वर्ड आएगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट आएगा, मतलब जो शॉर्ट टर्म होता है, जो करंट लाइबिलिटीज होती है, दैट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल डेट, ठीक है। डेट मतलब हमेशा लॉन्ग टर्म डेट ही आएगा, यानी कि लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जितने भी लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स या जितने भी लॉन्ग टर्म लोन्स आपने लिए होंगे, सारे लॉन्ग टर्म चीजें ही यहां पे आती हैं, क्लियर है। विच हैज बिन डिप्लॉयड टू बिल्ड द लॉन्ग टर्म एसेट्स। एक और चीज आप कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ोगे, मैचिंग कंसेप्ट, जो मैं अकाउंट्स में भी बताता हूं, एफएम में भी बताता हूं, कि जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हो, यू हैव टू फॉलो द मैचिंग कंसेप्ट। मतलब कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, लंबे समय के लिए पैसा चाहिए, आप लंबे समय के जो एसेट्स हैं, यानी कि फिक्स एसेट्स में अगर आप पैसा लगाना चाहते हो, तो आपको सोर्स भी लॉन्ग टर्म ही चूज करना चाहिए। लॉन्ग टर्म एसेट्स शुड बी फाइनेंस्ड बाय लॉन्ग टर्म सोर्सेस, यानी कि इक्विटी या लॉन्ग टर्म डेट, 10 साल 20 साल का लोन, ऐसा सारे लॉन्ग टर्म फंड से आपको लेना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म मैच करना चाहिए, शॉर्ट टर्म मैच करना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म नीड है, स्टॉक में पैसा लगाना है, डेटर्स में पैसा लगाना है, कैश बैंक मेंटेन करना है, करंट एसेट में बेसिकली आपको पैसा लगाना है, तो वो आप शॉर्ट टर्म से फाइनेंस कर सकते हो, क्लियर है। तो एक बस ब्लंडर आपको नहीं करना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, एक ही ब्लंडर या मिसमैच होता है, कि एक ही गलती आप कर सकते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वो है कि लॉन्ग टर्म एसेट्स को शॉर्ट टर्म सोर्स से आप गलती से फाइनेंस कर दोगे और वहां फंस जाओगे, वहां फंस जाओगे। वो मीम याद करो, नायक पिक्चर का मीम नहीं है, ये फंस गया बस, तो आप फंस जाओगे। अगर आपने गलती से भी लॉन्ग टर्म एसेट्स शॉर्ट टर्म बोरिंग से बोरो कर लिया, तो आप फंस गए। आपने लैंड एंड बिल्डिंग लिया है, फैक्ट्री, सपोज आपने फैक्ट्री ली है, फैक्ट्री क्या है सर, लैंड एंड बिल्डिंग, वो आपने फॉर एग्जाम्पल 6 महीने के लोन पे ले ली, 50 लाख का फैक्ट्री लिया, और 50 लाख कहां से लाया, 3 महीने का लोन लिया है 50 लाख का, और आपने बिल्डिंग ले ली, तो आप फंस गए। कैसे फंस गए, कि 3 महीने में अब आप वो 50 लाख कहां से लाओगे, बिल्डिंग तो आप बेचने के लिए ले नहीं रहे हो, बिल्डिंग का आप यूज करोगे, बिल्डिंग से तो सेल जनरेट होगी, गुड सर्विसेज बनेंगे, तो अचानक से वो थोड़ी 50 लाख में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आप फंस जाओगे। अब ये 50 लाख आप वापस नहीं कर पाओगे। तो यही बस एक ही फाइनेंशियल ब्लंडर है जो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नहीं करना है। यू शुड नॉट फाइनेंस लॉन्ग टर्म एसेट्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म सोर्सेस, ठीक है। वाइस वर्सा चलता है, वाइस वर्सा चलता है। शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं, लॉन्ग टर्म फंड से बोरो कर रहे हो, अच्छी बात है, कोई भी दिक्कत नहीं। कैसे सर, भाई मुझे स्टॉक लेना है, स्टॉक शॉर्ट टर्म एसेट है, 2-3 महीने में रोटेट हो जाता है, अब मैंने वो 5 साल का लोन लेके फिनेंस किया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पैसा 5 साल के बाद देना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चलता है, शॉर्ट टर्म एसेट्स कैन बी फिनेंस्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म फंड्स। ये हम पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल में, इसका भी रेफरेंस आएगा, ये मैं तब भी आपको बताऊंगा। तो ये चलता है, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म एसेट्स शुड नॉट बी फाइनेंस फ्रॉम शॉर्ट टर्म सोर्सेस, ठीक है। एक ही बस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो वो दिया है, और एक आपने पढ़ा ही होगा लॉ में, सिक्योरिटी लॉ में आएगा, कन्वर्टिबल्स। कन्वर्टिबल्स भी होते हैं, तो अपार्ट फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ इक्विटी एंड डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, फर्म कुड हैव क्वासी इक्विटी। ये वर्ड आपने सुना होगा एसएलसीएम में, क्वासी इक्विटी यानी कि कन्वर्टेबल डेट भी होता है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, बहुत सारे कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो वो भी एक क्वासी इक्विटी। क्वासी इक्विटी मतलब इक्विटी के बराबर उसको माना जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो इक्विटी में ही कुछ समय बाद कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स, ठीक है। ये काफी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो मैंने आपके लिए मेहनत करके एक टेबल बनाया है, और वो टेबल से आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है सर, ये एक रिफ्लेक्शन है, ये एक रिफ्लेक्शन है आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजी का, कि आपका फाइनेंशियल स्ट्रेटजी क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी क्या है, कहां से आप कितना पैसा ला रहे हो, इससे आपकी स्ट्रेटजी, आपका माइंडसेट पता किया जा सकता है, कि आप एक एग्रेसिव माइंडसेट के प्लेयर हो या आप एक कंजर्वेटिव माइंडसेट के हो। सर ये क्या होता है, एग्रेसिव क्या होता है, कंजर्वेटिव क्या होता है? तो अगर आप डेट, बाहर का पैसा, लेवरेज, गियरिंग ज्यादा यूज कर रहे हो, मतलब आप एग्रेसिव हो, मैंने आपको ये चैप्टर नंबर 1 में भी बताया था, याद आ रहा है। तो जो इंसान डेट से बहुत ज्यादा पैसा ले रहा है, मतलब वो एग्रेसिव नेचर का है, वो रिस्क टेकर है, वो रिस्क लेना चाहता है, और जो पूरा इक्विटी लेके बैठा है, बाहर का पैसा ले ही नहीं रहा, अवेलेबल है, ले सकता है पर नहीं ले रहा, तो वो कंजर्वेटिव है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता, वो रिस्क एवर्स है, ठीक है। तो इससे आपका
तरीका, अप्रोच ऑफ डूइंग बिजनेस, अप्रोच ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस, ये भी पता चलता है. ठीक है, इट शोज हाउ मच रिलायंस, कितना आप डिपेंडेंट हो बाहर के पैसों पे, ये भी पता चलता है. रिलायंस इज बीइंग प्लेस्ड बाय द फर्म ऑन द एक्सटर्नल सोर्सेस. ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेस पे आप कितना डिपेंडेंट हो, कितना भरोसा आप उन पे दिखा रहे हो, कितना उनका पैसा यूज कर रहे हो, ये भी कैपिटल स्ट्रक्चर से रिफ्लेक्ट होता है. एंड हाउ मच इंटरनल अक्रूवल इज बीइंग यूज्ड टू फाइनेंस द एक्सपांशन. ठीक है, एक्सपांशन आप पढ़ोगे, मर्जन एक्विजिशन आप पढ़ते ही हो. ऑर्गेनिक ग्रोथ भी होती है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी होती है. आप सीधे बिजनेस को एक्वायर भी करते हो, आप खुद को ऑर्गेनिकली भी ग्रो करते हो और ब्रांचेस खोलते हो और एसेट्स खरीद के भी आप एक्सपांड करते हो. ठीक है, तो कहीं ना कहीं पैसे की तो नीड आती है. आप कोई भी तरीके का एक्सपांशन यूज करो, यू नीड मनी. और काफी बार वो पैसा खुद के पास उतना अवेलेबल नहीं होता है. अगर आप खुद के पैसे से ही एक्सपांड करोगे तो आपकी स्पीड काफी कम होगी. इंटरनल अक्रूवल्स की एक लिमिटेशंस होती है, इसीलिए काफी बार बाहर से पैसा लेके एक्सपांशंस किए जाते हैं. ठीक है, तो चार प्रकार के स्ट्रक्चर्स हैं. एक है हॉरिजॉन्टल, उसका उल्टा वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है, दोनों ऑपोजिट्स हैं, अलग हैं. फिर एक अलग ही डायमेंशन है, पिरामिड एंड इन्वर्टेड पिरामिड. ठीक है, यानी दो ही टाइप्स हैं बेसिकली, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, पिरामिड एंड इन्वर्टेड पिरामिड. ठीक है, तो अलग अलग पढ़ना है, अलग अलग पढ़ना है. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल क्या है, तो मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है, उससे अपन पढ़ लेते हैं. बेसिकली डेट इक्विटी मिक्स क्या है, ये आपको समझना है, और उस मिक्स के वजह से उस स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम्स या क्या फीचर्स होते हैं, ये आपको समझना है. ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं. ठीक है, पहला हॉरिजॉन्टल, तो मैंने आपके लिए पूरा टेबल बनाया हुआ है, इससे आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जीरो डेट, जीरो डेट. ठीक है, डेट कितनी है, जीरो, मतलब वो ऑल इक्विटी कंपनी है, 100% इक्विटी फाइनेंसिंग है. तो ये स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर. हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर ऐसा, हॉरिजॉन्टल मतलब पूरा का पूरा इक्विटी है, डेट है ही नहीं. तो इसका क्या फीचर होगा कि वो स्टेबल है, आप बाहर के पैसों पे डिपेंडेंट हो ही नहीं, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं दे सकता. बाहर का पैसा जब होता है तो लोग प्रॉब्लम देते हैं, पर जब बाहर का पैसा है ही नहीं, पूरा आपका खुद का पैसा है, जेब से पैसा लगा हुआ है, तो स्टेबल स्ट्रक्चर उसको माना जाता है. तो ये स्ट्रक्चर क्वाइट स्टेबल है, कोई आपको टेक ओवर नहीं कर सकता, कोई आपको कोई दिक्कत पहुंचा नहीं सकता है, आपका बिजनेस स्टेबल है क्योंकि आपका पूरा इक्विटी है. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल जब भी वर्ड आया, हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर वर्ड आया, तो आपको क्या याद रखना है, जीरो डेट, 100% इक्विटी, क्योंकि 100% इक्विटी है, द स्ट्रक्चर इज क्वाइट स्टेबल. सेकेंड है उसका उल्टा. अब उसका उल्टा जब मैं कह रहा हूं तो आपको सोचना भी वैसा ही है, जीरो डेट है, अब जीरो डेट का उल्टा क्या होगा, 100% डेट, मतलब जीरो इक्विटी. पर आपको पता ही होगा रियल लाइफ में कि इक्विटी कैन नॉट बी जीरो, डेट कैन बी जीरो, बट इक्विटी कैन नॉट बी जीरो. कुछ ना कुछ आपको अपना पैसा लगाना ही पड़ता है, जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो आपको पता ही है, कुछ ना कुछ शेयर कैपिटल हो सकता, होना ही चाहिए, खुद का पैसा कुछ ना कुछ आपको लगाना होता है. तो वर्चुअली इक्विटी कैन नॉट बी जीरो, कुछ तो होगा, 1%, 2%, बट कुछ तो नॉमिनल इक्विटी आपको लगाना ही पड़ता है. 100% डेट कभी भी स्ट्रक्चर में होता नहीं है. ठीक है, तो आपको याद उल्टा ही रखना है और फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकल जो आपका ये दिमाग है वो लगाना है कि इक्विटी पूरा जीरो कैसे होगा. तो बहुत ही नॉमिनल इक्विटी होगा, मैक्सिमम पूरा डेट ही होगा. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल का पूरा उल्टा वर्टिकल. तो वेरी हाई डेट है, बहुत ज्यादा डेट आपने लिया है, बाहर का पैसा बहुत ज्यादा यूज किया है और इक्विटी बहुत ही नेग्लिजिबल है. ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर में आप क्या फीचर्स होंगे कि ये अनस्टेबल है, आपके हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं है. बाहर का पैसा ज्यादा है, वो उनका बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा, वो ज्यादा डिसाइड करेंगे, तो स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, कभी भी कोलैप्स हो सकता है या कभी भी इंटरफेरेंस हो सकता है. फिर ये वल्नरेबल टू हॉस्टाइल टेकओवर है, कंट्रोल आपके पास है ही नहीं, भले आप ओनर हो लेकिन कैपिटल में आपका पैसा ही बहुत कम है ना, बाहर का पैसा बहुत ज्यादा है, तो ये टेकओवर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, हॉस्टाइल टेकओवर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. सर ये हॉस्टाइल टेकओवर क्या होता है, कि आपको बिना जाने या आपके बिना कंसेंट से जब आपका कंट्रोल ले लिया जाता है तो उसको कहते हैं टेकओवर, हॉस्टाइल टेकओवर. नॉर्मल मर्जर एक्विजिशन क्या होता है, आप मिल बांट के प्यार मोहब्बत से अरेंज मैरिज की तरह आप शादी कर रहे हो, मतलब आपका टर्म्स एंड कंडीशंस बातचीत करके प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के ये करके आप फिर मर्जर कर रहे हो, तो वो विथ कंसेंट होता है. पर अगर बिना आपके कंसेंट के आपके कंपनी का कंट्रोल आपसे ले लिया जाए तो उसको कहते हैं हॉस्टाइल टेकओवर. ठीक है, तो पूरा उल्टा है, देखो ठीक है, पूरा उल्टा है, पूरा उल्टा है, तो आपको ज्यादा याद नहीं रखना है. हॉरिजॉन्टल याद रखो,
वर्टिकल अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है। तो हॉस्टाइल टेकओवर, आपको ये पंचवर्ड याद रखना है क्योंकि ये अनस्टेबल है, कभी भी हॉस्टाइल टेकओवर हो सकता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, थर्ड पिरामिड स्ट्रक्चर। अब नाम भी प्रॉपर मीनिंगफुल है, ठीक है। पिरामिड कैसे दिखता है आपको पता ही होगा, इजिप्ट आप भले नहीं गए हो लेकिन पिरामिड आपको पता होगा, ठीक है। पिरामिड स्ट्रक्चर है तो इसका जो बेस होता है, ये जो बेस है, ठीक है, यहां बेस बड़ा है, बेस वाइड है, ठीक है। तो बेस में आता है इक्विटी, ध्यान दो। तो डेट यहां पे बहुत कम है, इक्विटी बहुत ज्यादा है, मतलब बेस जो है उसमें इक्विटी है और ऊपर का जो है टिप वो डेट है। तो डेट कम है, इक्विटी ज्यादा है। तो हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा सिमिलर है लेकिन अलग है, वहां जीरो डेट था, यहां लेस डेट है। डेट है, प्रेजेंस ऑफ डेट है, डेट इज नॉट जीरो। ये फर्क है हॉरिजॉन्टल और पिरामिड स्ट्रक्चर में, ठीक है, जो काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। सर आपको क्या सब पता रहता है यार? यस सर, डाउट सॉल्विंग करता हूं, सब पता रहता है आपको, क्या कंफ्यूजन है, क्या डाउट्स है, क्या मिक्सअप कर रहे हो, सब अमित सर को पता है, ठीक है। तो ये है, तो यहां डेट है, हॉरिजॉन्टल में डेट है ही नहीं, जीरो डेट है, यहां है बट वेरी लेस डेट है। और बेस जो है आपका पिरामिड का, दैट इज कंपोज्ड ऑफ इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग्स, जो वो भी इक्विटी के ही होते हैं, ठीक है। तो लार्ज प्रपोर्शन इज ऑफ इक्विटी एंड वेरी लेस डेट। तो ये टाइप का स्ट्रक्चर क्या आप बताता है? रिस्क एवर्स। आप रिस्क एवर्स हो, आप डेट ले ही नहीं रहे, पूरा पैसा खुद का ही लगा रहे हो, तो इससे क्या समझ में आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर से, कि आप रिस्क एवर्स हो, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है, और आप कंजर्वेटिव हो, रिस्क एवर्स कंजर्वेटिव फर्म। और इसी का उल्टा इनवर्स पिरामिड, इनवर्स पिरामिड। अब ऐसे स्ट्रक्चर देख के आपको क्लिक होना चाहिए कि देखो ट्रायंगल का बेस क्या है, बहुत ही टिप छोटा सा है, तो ये खड़ा नहीं रह सकता, ये कभी भी कोलैप्स हो सकता है, कभी भी गिर सकता है। तो इसीलिए ये वर्ड आपको ध्यान आना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर क्या है, हाईली वल्नरेबल टू कोलैप्स, कभी भी कोलैप्स हो सकता है क्योंकि इक्विटी इसमें बहुत कम है, डेट बहुत ज्यादा है, वर्टिकल से मिलता जुलता है, ठीक है। तो ये वर्टिकल से मिलता जुलता है, तो लार्ज प्रपोर्शन ऑफ डेट है और वेरी लेस आपका इक्विटी है, तो ये सिमिलर टू वर्टिकल स्ट्रक्चर है और ये कभी भी कोलैप्स हो सकता है क्योंकि डेट बहुत ज्यादा है। अगर आपने कमाई नहीं की, अगर आपने डेट रीपे नहीं किया, तो वो कभी भी आपके एसेट बेच के आपका मतलब पैसा वसूल कर सकते हैं और आपका सीधे बिजनेस बंद हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये है सर आपके चार स्ट्रक्चर्स, ये है आपके चार स्ट्रक्चर्स। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, लिख सकते हो, अच्छे से लिख लो, मैं सब दूंगा नहीं, देखो स्पून फीडिंग मैं करता नहीं हूं सर, स्पून फीडिंग बिल्कुल भी नहीं करता हूं सर। कुछ चीजें मैं लिखवाऊंगा, वो आपको लिखनी ही पड़ेंगी, जो मेरे रिविजन नोट्स में नहीं है, हो सकता है मेरे रेगुलर नोट्स में भी ना हो, इसीलिए लेक्चर बायस को भी ये सीरीज देखनी है, ठीक है। मैं काफी बार रिपीट कर रहा हूं, तो ये आप लिख लो, स्पेशली मैंने आपके लिए अभी बनाया है रिवीजन के लिए, तो आप पॉज करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, सब लिखो, ठीक है। मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, बुरा लगेगा, आलसी बनोगे तो बुरा तो लगना ही चाहिए, तभी तो सुधरोगे, ठीक है। तो पॉज करो, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये थे आपके चार स्ट्रक्चर्स, ठीक है, पूरा मैंने डिटेल में सारे पॉइंट्स एग्जाम के हिसाब से कवर कर लिए। आगे बढ़ते हैं, अब है सिग्निफिकेंस क्या है, जो सेम ही पॉइंट्स है कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बताता है, बाहर वाले आपके स्ट्रक्चर को देख के क्या समझ सकते हैं, ठीक है। नंबर वन, तो ठीक है, पहला कि आपके फर्म की वो स्ट्रैटेजी बताता है, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बताता है कि आप की स्ट्रैटेजी क्या है, कि आप बाहर पे लेवरेज लेना चाहते हो, बाहर पे डिपेंडेंट रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो, कि आप बस नहीं जितना मैं मेरे से होगा मैं उतना ही करूंगा, ऐसे भी लोग होते हैं, तो वो कंजर्वेटिव अप्रोच बताता है। तो आपकी अप्रोच, आपकी स्ट्रैटेजी विथ रिस्पेक्ट टू फंड्स, ये पता चलता है कैपिटल स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी फर्म की पता चलती है, स्ट्रैटेजी इंक्लूड्स पेस ऑफ ग्रोथ, डेट अगर आप ज्यादा ले रहे हो मतलब आप जल्दी ग्रो होना चाहते हो, अगर आप डेट ज्यादा ले रहे हो, आपके स्ट्रक्चर में डेट का कंपोनेंट ज्यादा है, इससे क्या पता चलता है कि आपको जल्दी जल्दी ग्रो होना है, और अगर डेट बहुत कम है या जीरो है मतलब आपको जल्दी की कोई जल्दी नहीं है, आपको आराम से ग्रो होना है, जितना खुद के पैसे से आप ग्रो हो सकते हो उतना ही ग्रो होना है, ठीक है। तो वो है, तो इनकेस फर्म वॉन्ट्स टू ग्रो एट अ फास्टर पेस, इट विल बी रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट डेट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। तो ज्यादा डेट ये दिखाता है कि आप जल्दी अमीर होना चाहते हो, जल्दी
आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, 20 दिन में पैसे डबल, वैसा वाला आपका काम है। फर्दर इन केस ऑफ ग्रोथ थ्रू एक्विजिशंस और इनऑर्गेनिक ग्रोथ, जो मैंने आपको बताया था M&A, मर्जर एंड एक्विजिशन, आप दूसरों को एक्वायर कर करके जल्दी जल्दी ग्रो होना चाहते हो, तो आपको बाहर का पैसा लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इट वुड फाइंड दैट फाइनेंशियल लेवरेज इज एन इंपॉर्टेंट टूल इन फंडिंग द एक्विजिशंस, ठीक है। तो लोन लेके आप जल्दी जल्दी लोगों को एक्वायर करते हो और आप आगे बढ़ते हो, लेकिन ये रिस्की भी होता है, क्योंकि नई कंपनी जो आप एक्वायर कर रहे हो, अगर उससे प्रॉफिट नहीं आया, क्योंकि आपने वो बोरो करके पैसे लाए हैं, 100 करोड़ का अगर आपने एक्विजिशन किया है तो 100 करोड़ पे आपको इंटरेस्ट पे करना है। अब वो कंपनी से अगर उतना आप नहीं कमा पाए तो आपका लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्विजिशंस भी डबल एज होते हैं, अगर आप कमा पाए तो अच्छा है, पॉजिटिव ग्रोथ होती है, लेकिन अगर आप नहीं कमा पाए तो लॉस भी हो सकता है, तो बोथ वेज वो जा सकता है। फिर है कि ये आपका रिस्क प्रोफाइल बताता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, या आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आप कंजर्वेटिव हो या एग्रेसिव हो। तो वही दिया, वन कैन रीजनेबली एक्यूरेटली हैव अ ब्रॉड आइडिया अबाउट द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द फर्म फ्रॉम इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। इफ डेट कॉम्पोनेंट इज प्रीडोमिनेंट, बहुत ज्यादा डेट अगर आप यूज कर रहे हो, द फिक्स इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्रीजेस, दे बाय इंक्रीजिंग द रिस्क, ठीक है। ज्यादा डेट है तो ज्यादा रिस्क आप ले रहे हो। इफ द फर्म हैज नो लॉन्ग टर्म डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, इट मीन्स दैट इधर इट इज रिस्क एवर्स, या तो आपको रिस्क से आपको डर लगता है, एलर्जी है रिस्क से, रिस्क लेते ही नहीं हो आप, और इट हैज कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स लेस देन द कॉस्ट ऑफ डेट, जो कि पॉसिबल नहीं, रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है कि इक्विटी का कॉस्ट कम हो और डेट का कॉस्ट ज्यादा हो, ये थ्योरेटिकल सिचुएशन है, आगे आएगा मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो रिस्क एवर्स हो, आप रिस्क लेना नहीं चाहते हो, ये उसका मतलब निकलता है, मतलब आप कंजर्वेटिव हो। तो या तो आप एग्रेसिव हो, अगर डेट ज्यादा है तो क्या पता चलेगा कि आप एग्रेसिव हो, रिस्क लेना चाहते हो, और अगर आपका इक्विटी ज्यादा है तो आप कंजर्वेटिव हो, ठीक है। तो ये होता है रिस्क प्रोफाइल। आगे बढ़ते हैं, इट एक्ट्स एज अ टैक्स मैनेजमेंट टूल, कि अगर आपको टैक्स को मैनेज करना है तो आपको डेट को ज्यादा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डेट पे जो आप इंटरेस्ट पे करते हो दैट इज टैक्स डिडक्टेबल, और डिविडेंड जो आप पे करते हो इक्विटी पे दैट इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल। तो टैक्स मैनेजमेंट के लिए भी काफी बार ऐसा कंपनीज करती हैं कि डेट को ज्यादा प्रेफरेंस देती हैं, डेट ज्यादा से ज्यादा लेती हैं, ताकि डेट पे जो भी खर्चा हो, जो भी आप रिटर्न दो, दैट इज टैक्स डिडक्टेबल, और उससे आपको टैक्स एडवांटेज मिलता है, टैक्स सेविंग होती है। लेवरेज चैप्टर में, अभी लेवरेज में बहुत डिटेल में आएगा। तो टैक्स मैनेजमेंट टूल की तरह भी डेट को यूज किया जाता है। तो वो दिया है, कैपिटल स्ट्रक्चर एक्ट इज अ टैक्स मैनेजमेंट टूल ऑल्सो, सिंस द इंटरेस्ट ऑन द बोरिंग्स इज टैक्स डिडक्टेबल, फर्म हैज हेल्दी ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, वुड फाइंड इट सेल्फ वर्थ वाइल ग्रोइंग। जो कंपनीज है जिनका टैक्स बहुत ज्यादा आता है, उनको अच्छा रहेगा, उनको समझ में आएगा, उनको अच्छा लगेगा कि डेट लें, ताकि हमारा टैक्स थोड़ा सा सेव हो। टू इनकॉर्पोरेट डेट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर इन अ ग्रेटर मेजर। और फिर है, इट हेल्प्स टू ब्राइटन द इमेज ऑफ द फर्म। अ फर्म कैन बिल्ड ऑन रिटेन अर्निंग्स कॉम्पोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर बाई इशूइंग इक्विटी एट अ प्रीमियम। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब आपका समय अच्छा चल रहा है, मार्केट अच्छा चल रहा है, तो आप इक्विटी रेज कर लेते हो, बहती गंगा में बेसिकली आप हाथ धो लेते हो कि मार्केट अच्छा चल रहा है, वैल्यूएशन अच्छे चल रहे हैं, इशू कर लो, कि जब मार्केट डल होगा, वैल्यूएशन डाउन आ जाएंगे, फिर आप फंड्स रेस करके मतलब नहीं कर पाओगे, या करोगे भी तो बहुत कम पैसा आपको मिलेगा। तो ये है, अ फर्म कैन बिल्ड ऑन रिटेन अर्निंग्स कॉम्पोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर बाई इशूइंग इक्विटी एट अ प्रीमियम टू स्प्रेड आउट द बेस ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर। सच एन एक्ट हैज टू बेनिफिट्स, ऑन वन हैंड इट हेल्प्स द फर्म टू इंप्रूव इट्स इमेज इन द आईज ऑफ इन्वेस्टर, एट द सेम टाइम इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ हॉस्टाइल टेक ओवर ऑफ द फर्म। ठीक है, इक्विटी कॉम्पोनेंट ज्यादा होगा तो हॉस्टाइल टेक ओवर होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, खुद का पैसा ज्यादा होता है तो हॉस्टाइल टेक ओवर कोई भी नहीं कर सकता आपके बिना कंसेंट के। ठीक है, तो चार ऐसे फायदे हैं या इंडिकेटर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है कि आपकी फर्म की स्ट्रैटेजी पता चलती है, आपका रिस्क प्रोफाइल समझ में आ जाता है, टैक्स मैनेजमेंट टूल की तरह इसको यूज किया जा सकता है, और आपके फर्म की इमेज आप ब्राइट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो बाय यूजिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। तो चार ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आता है कंपैरिजन बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का बहुत कम रेफरेंस आता है पूरे सब्जेक्ट में, हर जगह आपको एक ही वर्ड दिखेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर, बट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है और कैसे वो अलग है, ये हमको भी समझना है। ठीक है, तो इसमें आपको ये दो मैं बैलेंस शीट्स दिखा रहा हूं, दो बैलेंस शीट्स में दिखा रहा हूं। एक में आप देख रहे हो सारे लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, लाइबिलिटी साइड में सारे लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स,
लॉन्ग टर्म डेट। तो जब आप पूरे लॉन्ग टर्म फंड्स को देखते हो तो वो होता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लॉन्ग टर्म सब अगर देख रहे हो तो दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। लेकिन पूरे लाइबिलिटीज जब आप देखते हो, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज भी तो होते हैं ना, करंट लाइबिलिटीज, तो जब आप सारे लाइबिलिटीज देखते हो, टोटल लाइबिलिटीज आर कॉल्ड एज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ नीचे करंट लाइबिलिटी ऐड कर दूं, नीचे करंट लाइबिलिटी ऐड कर दूं, सर ये वहां तो थी नहीं क्या? यहां भी थी बेटा, लेकिन वो यहां माइनस हो जाती है और इसीलिए वर्किंग कैपिटल नाम आता है। पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वर्किंग कैपिटल नाम आता ही क्यों है? क्योंकि करंट लाइबिलिटी को करंट एसेट में से माइनस करके ही देखा जाता है और एसेट्स में हम वर्किंग कैपिटल को ही देखते हैं। तो ये वाली जो बैलेंस शीट है वो ज्यादा चलती है, बिकॉज हम कैपिटल स्ट्रक्चर को ज्यादा फॉलो करते हैं, इसलिए हम करंट लाइबिलिटी को कभी लाइबिलिटी साइड लेते ही नहीं है, वो हम करंट एसेट में से माइनस करके वर्किंग कैपिटल के एंगल से ही देखते हैं। ठीक है, और यहां फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में क्या होगा कि हम उसको लाइबिलिटी साइड ही लेंगे। तो टोटल लाइबिलिटीज को आप क्या कहोगे? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कि पूरा एसेट को आपने कैसे फाइनेंस किया है, पूरे एसेट्स को आपने कैसे फाइनेंस किया है, वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से पता चलता है। और यहां पे वर्किंग कैपिटल की जगह क्या आएगा? करंट एसेट्स। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करके क्या चीजें आपको समझ में आएंगी? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि दोनों में फर्क क्या है? सिर्फ करंट लाइबिलिटी। दोनों में फर्क क्या है? करंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी कभी जीरो नहीं होती, न टोटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी कभी जीरो नहीं हो सकती। मतलब करंट लाइबिलिटी तो नॉर्मली रहती ही है। नॉर्मली आप रॉ मटेरियल क्रेडिट पे लेते हो तो या तो क्रेडिटर्स होते हैं, कुछ ना कुछ खर्चा आपका देना बाकी होता है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, टैक्स पेबल होता है, बिल पेबल होता है, कुछ ना कुछ पेबल्स एक नॉर्मल बिजनेस में होते ही हैं। तो दोनों में ये फर्क आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अगर कोई फर्म में, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली हम कहें कि करंट लाइबिलिटी है ही नहीं, अगर कोई फर्म में करंट लाइबिलिटी है ही नहीं, तो उसके केस में अमाउंट जब आप कैलकुलेट करोगे तो कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का दोनों का अमाउंट सेम आएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, फिर है कि हमेशा कैपिटल स्ट्रक्चर का अमाउंट कम आएगा और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का अमाउंट ज्यादा आएगा, क्योंकि उसमें एक एलिमेंट ज्यादा है, तीन एलिमेंट्स कॉमन है, तो दो तीनों के ना अमाउंट्स तो सेम ही आएंगे। इक्विटी, प्रेफरेंस, लॉन्ग टर्म डेट, ये तो तीनों एलिमेंट्स दोनों में है, तो दोनों के अमाउंट सेम ही आएंगे। और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में एक और एक्स्ट्रा कॉम्पोनेंट है और वो कभी जीरो नहीं हो सकता, ना वो निगेटिव हो सकता है, तो इसीलिए हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का अमाउंट ज्यादा आएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर का अमाउंट कम आएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ठीक है, और फिर है जो मैंने आपको बता दिया था कि लॉन्ग टर्म एसेट्स शुड बी फाइनेंस फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन्स या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है, लॉन्ग टर्म शुड बी फाइनेंस फ्रॉम लॉन्ग टर्म, मैचिंग कंसेप्ट। और क्या नहीं होना चाहिए? लॉन्ग टर्म शुड नॉट बी फाइनेंस्ड फ्रॉम करंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म एसेट्स शुड नॉट बी फाइनेंस फ्रॉम करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, ये मैचिंग कंसेप्ट आपको फॉलो करना है, मतलब मैचिंग कंसेप्ट का ब्लंडर नहीं करना है कि लॉन्ग टर्म एसेट शुड नॉट बी फाइनेंस फ्रॉम करंट लाइबिलिटी या शॉर्ट टर्म सोर्सेस। क्लियर है? तो चार चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो फटाफट मैं बता देता हूं, देखो क्या है। तो वही कहा है कि जो आप लेफ्ट हैंड साइड देखते हो बैलेंस शीट का, पहले टी फॉर्मेट चलता था, तो लेफ्ट हैंड साइड इंक्लूड्स लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी, उसी को आप कहते हो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। इट कंटेन्स ऑल लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेस, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, पूरा पूरी लाइबिलिटी साइड जो बनती है, जिसमें करंट लाइबिलिटी भी आती है, उसको आप कहते हो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। और अलग से आप अगर निकालो, मतलब अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में जब आप लाइबिलिटीज निकालते हो तो वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन एफएम में जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आप करंट लाइबिलिटी लाइबिलिटी साइड नहीं लेते हो। ये जो मैंने आपको बताया, ऐसा आप अकाउंट्स में बनाते हो क्या? नहीं बनाते हो। याद करो शेड्यूल थ्री, मेरे से ही पढ़ा होगा आपने, शेड्यूल थ्री में लाइबिलिटी साइड में इक्विटीज एंड लाइबिलिटी साइड में करंट लाइबिलिटी भी आता है। तो अकाउंट्स में लाइबिलिटी साइड की अगर मैं टोटल मारूं तो वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आएगा, पर एफएम में ऐसा हम नहीं यूज करते। क्लियर है? एफएम में हम ये वाली बैलेंस शीट ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, एफएम में ये चलता है और अकाउंट्स में ये चलता है, दोनों मेरे सब्जेक्ट्स हैं इसलिए बता सकता हूं मैं। ठीक है, तो अकाउंट्स में ये चलता है, तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अकाउंट्स में ज्यादा यूज होता है और एफएम में कैपिटल स्ट्रक्चर वर्ड ज्यादा यूज होता है। क्लियर है? चलिए, तो वही सब दिया है, तो वही सब दिया है कि भाई क्या क्या आएगा। भाई डिबेंचर्स आएगा, लॉन्ग टर्म डेट आएगा, प्रेफरेंस आएगा, इक्विटी आएगा, रिटेन अर्निंग्स आएगा, ये सब आएगा। और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है?
जिसमें सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ कैपिटल आते हैं, मतलब करंट लाइबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो वही सब है, रिपीट हो रहा है तो स्किप कर रहा हूँ मैं, आप पढ़ लेना, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, बट वही सब है जो मैंने आपको बताया कि दोनों में फर्क क्या है, करंट लाइबिलिटी का, शॉर्ट टर्म सोर्सेस का दोनों में डिफरेंस है। कुछ काम का है क्या इसमें, 1 मिनट। तो वो भी देखो दिया है जो मैंने आपको बताया था कि बिना करंट लाइबिलिटी कोई भी बिजनेस हो नहीं सकता। करंट लाइबिलिटी तो होती ही होती है, इट कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। और जीरो लॉन्ग टर्म कैपिटल भी नहीं हो सकता कि सिर्फ करंट लाइबिलिटी है और लॉन्ग टर्म लोन्स ही नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो दोनों में हमेशा डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। और हाइपोथेटिकली अगर आप सोचो कि करंट लाइबिलिटी अगर जीरो है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर हम सिर्फ थ्योरेटिकली सोचें, तब जाके दोनों इक्वल हो सकते हैं, नहीं तो वो कभी इक्वल नहीं होंगे। और आपका जो स्ट्रक्चर है हमेशा बैलेंस्ड वन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म भी नहीं होना चाहिए, करंट लाइबिलिटी भी होनी चाहिए। तो आपको बैलेंस आउट करना है, ठीक है, वन साइडेड नहीं होना चाहिए। तो वही सब है, ठीक है। और ये जो मैंने बताया मिसमैच, करंट लाइबिलिटी शुड नॉट बी यूज टू फाइनेंस द एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, दिस वॉज रिजल्ट इन अ एसेट लाइबिलिटी मिसमैच, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। तो यही सब पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब है एट्रीब्यूट्स ऑफ अ वेल प्लान्ड कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या फीचर्स होने चाहिए जब आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर खुद बना रहे हो, चुन रहे हो, सेट कर रहे हो, तो आपको क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। नंबर वन, रिटर्न। क्या आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिससे रिटर्न मैक्सिमाइज हो, जनरेट मैक्सिमम रिटर्न्स टू शेयर होल्डर विदाउट एडिशनल कॉस्ट टू देम। आई ख्याल में रिटर्न मैक्सिमाइज करने के एंगल से कैपिटल स्ट्रक्चर आपको सिलेक्ट करना है, फिर रिस्क को मिनिमाइज करना है, ठीक है। एक्सेसिव डेट मतलब नहीं लेना है, क्योंकि उससे आपका सॉल्वेंसी का इशू हो सकता है, आप इंसॉल्वेंट हो सकते हो बहुत ज्यादा डेट ले लोगे तो, ठीक है। तो यूज ऑफ डेट शुड बी अवॉइडेड, कम से कम डेट यूज करो, जितना आप बेयर कर पाओ, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, जितना आप रीपे कर पाओ उतना ही डेट लो, बहुत ज्यादा एक्सेसिव डेट का यूज मत करो। फिर है वो फ्लेक्सिबल रखो, कभी भी आप डेट बढ़ा पाओ, कभी भी आप इक्विटी बढ़ा पाओ, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर रखो, मतलब बहुत ज्यादा इक्विटी भी मत लो, बहुत ज्यादा डेट भी मत लो, कि जब आप कोई चीज बहुत ज्यादा ले लेते हो तो उसको आप बढ़ा नहीं पाते हो। जैसे डेट मैंने बहुत ज्यादा ले ली और मुझे और डेट की जरूरत है तो मैं नहीं बढ़ा पाऊंगा। आए ख्याल में, मतलब बैलेंस रखो, बहुत ज्यादा डेट भी नहीं, बहुत ज्यादा इक्विटी भी नहीं, दोनों को मीडियम रखो, ताकि कभी भी आप कोई चीज बढ़ा पाओ, कोई भी चीज को घटा पाओ, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। शुड बी फ्लेक्सिबल, इट शुड बी पॉसिबल फॉर द कंपनी टू एडेप्ट टू द इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर विथ अ मिनिमम कॉस्ट एंड डीले, ठीक है। जल्दी से जल्दी अगर आपको स्ट्रक्चर बदलना है, डेट को घटाना है तो आप घटा पाओ, डेट को बढ़ाना है तो बढ़ा पाओ, नीड के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से आप उसको चेंज कर पाए, ऐसा स्ट्रक्चर आपको रखना है। फिर है कैपेसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे भी इसका रेफरेंस आएगा, कि आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डेट लेना चाहिए। आई ख्याल में, जितनी कैपेसिटी है। अब ये कैपेसिटी क्या होता है, कैपेसिटी का मतलब है अर्निंग पोटेंशियल, जितना आप कमाते हो, जितना आप इंटरेस्ट पे कर पाओगे, जितना कैश फ्लो आप जनरेट करते हो, जितना आप ईएमआई भर पाओगे उतना ही डेट लेना है। आई ख्याल में इसको कहते हैं कैपेसिटी, मतलब रीपेमेंट कैपेसिटी। बेसिकली कैपेसिटी को आपको क्या समझना है, रीपेमेंट कैपेसिटी, जितनी आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी है, जितना आप कमाते हो, कैश फ्लो जनरेट करते हो, उसके हिसाब से आपको डेट लेना चाहिए, ठीक है। विद इन द डेट कैपेसिटी ऑफ द कंपनी एंड दिस कैपेसिटी शुड नॉट बी एक्सीडेड, द डेट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू जनरेट फ्यूचर कैश फ्लोस, इट शुड हैव इनफ कैश टू पे द क्रेडिटर्स फिक्स चार्जेस एंड द प्रिंसिपल सम। तो आपके ईएमआई जितना भर सकते हो उसके हिसाब से आपको डेट लेना चाहिए। और फिर है कंट्रोल, कि आपका कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, मतलब इसीलिए हम एक पढ़ेंगे पैकिंग ऑर्डर थ्योरी पढ़ेंगे, वो इसी के बेसिस पे है, कंट्रोल के बेसिस पे होता है, कि जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कभी भी अपना कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करना चाहते। जो भी उसके प्रमोटर्स हैं या जिनके पास भी कंट्रोल है, वो ऐसे डिसीजंस लेते हैं कि भाई कंट्रोल डाइल्यूट ना हो, खुद पे कोई आंच नहीं आने देते। तो वो ऐसे स्ट्रक्चर्स पे, ऐसे सोर्सेस पे पहले ध्यान देते हैं जिनसे कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता। जैसे आपका खुद का रिटेन अर्निंग्स है, वो आप यूज कर लो, उससे कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं बदलता, मतलब उससे आपका कंट्रोल नहीं बदलता है, आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं बदलता है। फिर आप डेट से बोरोइंग करो,
उससे भी शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं बदलता है, डेट के पास वोटिंग पावर होता ही नहीं है, सेम गोज फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और लास्ट में पानी यहां तक आ गया और कोई रास्ता ही नहीं बचा है, तब जाके वो इक्विटी रेस करते हैं जिससे उनका कंट्रोल भी डाइल्यूट हो सकता है। वो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं जेब से, वो भी पैसा ला रहे हैं, तो उनका स्टेक डाइल्यूट नहीं होगा। पर अगर उनके जेब में पैसा ही नहीं है और उनको बाहर से पैसा इक्विटी से लाना है तो उनका स्टेक डाइल्यूट होगा। तो वैसा माइंडसेट उनको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है कंट्रोल। तो मिनिमम रिस्क होना चाहिए ऑफ डाइल्यूशन एंड कंट्रोल, मिनिमम रिस्क ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी, द ओनर्स ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनीज आर पर्टिकुलरली कंसर्न अबाउट द डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, रिटेन अर्निंग्स एंड डेट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसको पहले प्रेफरेंस देते हैं और इक्विटी को सबसे लास्ट प्रेफरेंस वो देते हैं। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान देना है, पांच बातें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं वेल प्लान्ड कैपिटल स्ट्रक्चर के, कि रिटर्न मैक्सिमाइज होना चाहिए, रिस्क मिनिमाइज होना चाहिए, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होना चाहिए, कभी भी कोई भी कॉम्पोनेंट को आपको कम ज्यादा करना है तो करते आना चाहिए, कैपेसिटी जितनी है उतना ही डेट लो, और कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऐसा प्लान करो कि कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, जिनके पास कंट्रोल है जो प्रमोटर्स हैं उनका कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो ऐसे पांच एट्रीब्यूट्स होते हैं वेल प्लान्ड कैपिटल स्ट्रक्चर के। आगे बढ़ते हैं, सेम डिजाइनिंग, कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर का डिजाइन है, जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो कैसा होना चाहिए। तो पहला है इट शुड बी फंक्शनल, इट शुड बी फंक्शनल, मतलब डे टू डे आप उसको ऑपरेट कर पाओ, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप उसको चला पाओ। मतलब बहुत ज्यादा जब एक्सट्रीम स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे डेट आपने बहुत ज्यादा ले लिया, इंटरेस्ट ही नहीं भर पा रहे हो, बार बार धमकियां आ रही है, डिफॉल्ट हुआ बेच दूंगा एसेट, या बहुत ज्यादा ये हो रहा है, नोटिसेस आ रही हैं क्रेडिटर्स की, तो ये डे टू डे में आप झेल नहीं पाओगे। तो स्ट्रक्चर ऐसा आना चाहिए जो डे टू डे में आप काम कर पाओ, फंक्शनल हो, ठीक है। डिजाइन शुड क्रिएट सिनर्जी विद द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी ऑफ द फर्म एंड शुड नॉट बी डाइफंक्शनल, मतलब आपको काम करने से ही रोक दे, आपका डे टू डे बिजनेस ही रोक दे, ऐसा स्ट्रक्चर आपको नहीं लेना चाहिए। इट शुड फैसिलिट डे टू डे वर्किंग ऑफ द फर्म रादर देन क्रिएट सिस्टमैटिक बॉटलनेक्स, ठीक है। जैसे आप बाहर से जब डेट बहुत ज्यादा लेते हो तो आप ये देखोगे कि वो कंडीशंस लगाते हैं, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हमसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। कंपनी लॉ में भी आप पढ़ते हो कि अगर डिफॉल्ट चल रहा है तो प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है, काफी बार मैनेजर लेमिनेशन, पता नहीं कितना कहां कहां, डिबेंचर ट्रस्टी में भी आपने पढ़ाई होगा। तो ये आपको एक वेग आइडिया तो होगी कि जितना डेट ज्यादा है उतना वो रेस्ट्रिक्शंस डालते हैं, काम करने पे बॉटलनेक्स डालते हैं, कंडीशंस डाल देते हैं, डिफॉल्ट हो गया तो फिर डायरेक्टर्स भी वो अपॉइंट कर सकते हैं, ऐसा भी कंडीशंस वो डाल सकते हैं, नॉमिनी डायरेक्टर आपने पढ़ाई होगा। तो ये सब चीज है, तो ये होता है फंक्शनल होना चाहिए, डे टू डे में इतने रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए कि आप काम ही नहीं कर पा रहे हो। फिर वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सेम जो ऊपर पढ़ा पूरा सेम है, और स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, कि अगर कोई लॉ में कोई डेट इक्विटी रेशो दिया हुआ है, जैसे आपने पढ़ाई है 2:1 का डेट इक्विटी रेशो होता है, या आप गवर्नमेंट कंपनीज में HFC में हाउसिंग फाइनेंस में आप पढ़ोगे 6:1 का भी रेशो दिया हुआ है, तो अगर लॉ में कहीं डेट इक्विटी रेशो दिया है, डेट पे कोई लिमिट लगाई हुई है, तो वो भी आपको ऑब्वियसली कॉम्प्लाई करना ही है। तो वो है कि आपका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि लॉ में अगर कोई रेस्ट्रिक्शंस है इट शुड बी कॉम्प्लाइंग विद दैट रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो वो सब दिया है। तो तीन ऐसे डिजाइन में आपको चीजें ध्यान रखनी है, पहला है फंक्शनल होना चाहिए, डे टू डे में आप काम कर पाओ, ऑपरेट कर पाओ, बहुत ज्यादा कंडीशंस बॉटलनेक्स नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कभी भी आप कम ज्यादा कर सकते हो, और स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस अगर हैं तो वो कॉम्प्लाई करना चाहिए उस स्ट्रक्चर ने, ठीक है। तो तीन चीजें डिजाइनिंग में आपको ध्यान रखनी है। फिर है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, ये मैं आपको कैपिटल स्ट्रक्चर थेरीज में बताऊंगा, वहां पे इसका रेफरेंस आता है कि ऑप्टिमल क्या है, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे आपका कॉस्ट मिनिमम है, टोटल कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट, फंड्स का, जिसको आप आगे चल के पढ़ोगे WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है, WACC जो होता है वेटेड एवरेज पूरे कैपिटल का जो कॉस्ट होता है दैट शुड बी मिनिमम, और जहां पे भी जो भी डेट इक्विटी रेशियो पे ये मिनिमाइज हो जाता है वहां पे आपकी वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाती है, ये हम थेरीज में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट, ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, एंड ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इज द बेस्ट डेट टू इक्विटी रेशियो, बेस्ट, बेस्ट मतलब जहां पे आपके फर्म की वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है, जहां पे आपके फर्म की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है उसी को कहते हैं बेस्ट, द
बेस्ट डेट इक्विटी रेशियो फॉर अ फर्म दैट मैक्सिमाइजेस इट्स वैल्यू, दैट मैक्सिमाइजेस इट्स वैल्यू, ठीक है। तो वही है कि ऑप्टिमल इज वन दैट ऑफर्स अ बैलेंस बिटवीन डेट एंड इक्विटी रेंज एंड मिनिमाइजेस द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आपका जहां कॉस्ट मिनिमाइज हो जाता है एग्जैक्टली वहीं पे आपका वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाता है, ठीक है। लोवेस्ट कॉस्ट WACC उस पे आपका हाईएस्ट वैल्यू आता है, ठीक है। लोवेस्ट WACC पे आपका हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द फर्म आता है, ठीक है। और अगर आप ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर पे नहीं हो, आपका स्ट्रक्चर ऐसा है जिस पे आपका कॉस्ट मिनिमाइज नहीं हुआ है और वैल्यू मैक्सिमाइज नहीं हुआ है, तो आप सब ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर पे हो, उसको कहते हैं सब ऑप्टिमल। जो भी ऑप्टिमल नहीं है वो सब ऑप्टिमल है, ठीक है। अ कॉम्बिनेशन लेस और मोर स्ट्रक्चर जो ऑप्टिमल है उससे कम या ज्यादा आपका रेशियो है तो मोर और लेस देन द ऑप्टिमल वुड बी लेस देन सेटिस्फाइंग, वो सेटिस्फाइंग नहीं है। आपको स्ट्राइव करना चाहिए ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने में लाने में जिसमें आपका कॉस्ट मिनिमाइज हो। अ सब ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन वुड अफेक्ट द अचीवमेंट ऑफ द गोल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयरहोल्डर वेल्थ। तो आप वेल्थ वहां पे ही मैक्सिमाइज कर पाओगे जब आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमल है। तो यू शुड स्ट्राइव टू अचीव द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर टू मिनिमाइज योर कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ शेयरहोल्डर्स, ठीक है। तो ये होता है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। अब एक लंबी लिस्ट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फटाफट मैं बता देता हूं क्या है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कि क्या क्या चीजों का, क्या क्या फैक्टर्स का कैपिटल स्ट्रक्चर पे इंपैक्ट होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आपको वही समझना है कि कौन से फैक्टर का कैसा इन्फ्लुएंस है, किस तरह से वो कैपिटल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करता है, वही आपको समझना है। नंबर वन, कैश फ्लो, कि आप डेट उतना ही ले पाते हो जितना आपका कैश फ्लो है, डेट आप उतना ही ले पाते हो जितना आपका कैश फ्लो है, तो ये इन्फ्लुएंस कर रहा है ना। कैश फ्लो कम है तो आप डेट कम ले पाओगे, इक्विटी आपको ज्यादा लेना पड़ेगा तो ये इन्फ्लुएंस कर रहा है। कैश फ्लो बहुत ज्यादा आप कमा लेते हो तो आप डेट बहुत ज्यादा ले सकते हो, इक्विटी कम ले लो। तो इन दिस वे कैश फ्लो अफेक्ट्स योर डेट इक्विटी रेशियो या कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर है सेम, ये तीनों पॉइंट्स एक ही डायरेक्शन में है, तीनों पॉइंट सेम है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, कि अगर आपका इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो अच्छा है, आपकी अर्निंग्स इंटरेस्ट के मुकाबले बहुत ज्यादा हैं, तो बैंक आपको लोन दे देगी, उतना डेट आप ज्यादा ले सकते हो, आप सेफ हो, तो आपको बाहर वाले लोग पैसा देते जाएंगे, आप डेट ज्यादा ले सकते हो। सेम गोज फॉर DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ISCR DSCR दोनों आपके लिए सेम है, आपके मॉड्यूल में दोनों को सेम ही रखा गया है, ठीक है। तो अगर आपके ये कवरेज रेशियोज फेवरेबल है, मतलब आप डेट मार्केट से और ज्यादा ले सकते हो, और अगर ये आपके फेवर में नहीं है तो आप डेट आगे नहीं ले पाओगे, आपको फिर इक्विटी से ही फंड्स रेज करने पड़ेंगे, ठीक है। इन दिस वे दीज इन्फ्लुएंस योर कैपिटल स्ट्रक्चर, तीनों एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। फिर है ROI, कि अगर आप ज्यादा कमाते हो, आपका ROI ज्यादा है, जैसे ज्यादा इन द सेंस कि इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है, लोन का रेट चल रहा है 10%, आप कमा लेते हो 20%, तो आप लोन ले सकते हो। डेट देने वाला यही देखेगा कि आप कितना कमाओगे, तो अगर उसके 10% से बहुत ज्यादा आप कमा लेते हो तो वो लोन दे देगा, आप डेट ज्यादा ले सकते हो। पर अगर आपकी कमाई उस रेट से बहुत, मतलब उसके आसपास है, 10% इंटरेस्ट रेट है और आपका अर्निंग पर रुपी 12% है, यानी आपकी मार्जिन सेफ्टी नेट कितना है, सिर्फ 2%, तो आपकी हल्की सी भी रिटर्न कम हुई तो हो सकता है लॉस हो जाए, हो सकता है आप इंटरेस्ट ही पे ना कर पाओ, आए ख्याल में। तो ये है, तो ROI भी डिसाइड करता है कि आप कितना डेट ले पाओगे। फिर एक कॉस्ट ऑफ डेट, ये तो सबसे मेन है कि डेट का इंटरेस्ट रेट क्या है। अगर इंटरेस्ट रेट्स मार्केट्स में बहुत ज्यादा चल रहे हैं तो आप डेट लोगे ही नहीं, और अगर इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम चल रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा डेट लेने की कोशिश करोगे। चीप फंड्स मिल रहे हैं, कम रेट पे डेट मिल रहा है तो आप ऑब्वियसली ले लोगे, और अगर डेट का रेट बहुत ज्यादा चल रहा है तो आप उसको डिले करोगे या डेट नहीं लेने की सोचोगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डेट्स ऑल्सो डिसाइड्स द कैपिटल स्ट्रक्चर, तो दिया हुआ है। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस, मोर डेट कैपिटल विल बी यूटिलाइज एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डेट कम है तो डेट का जो अमाउंट है वो ज्यादा आप यूज करोगे, इनवर्स रिलेशन होता है, और अगर कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा है तो आप डेट का अमाउंट जो है वो कम लोगे, ठीक है, इनवर्स रिलेशन इसमें होता है। फिर है टैक्स रेट,
अब टैक्स का एडवांटेज मिलता है आपको पता ही है, डेट में टैक्स का सेविंग होता है, तो जितना टैक्स रेट ज्यादा होगा उतना डेट का कॉस्ट कम होते जाएगा। डेट हम पढ़ेंगे आगे कि डेट हम आफ्टर टैक्स कॉस्ट लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मेरा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और मेरा 30% टैक्स रेट है, तो आफ्टर टैक्स वो आ जाता है 7%। आए ख्याल में? तो ये होता है। तो अब ये 30% जो मेरा टैक्स रेट है, अगर ये बढ़ के 50 हो गया तो मेरा कॉस्ट ऑफ डेट और कम हो जाएगा, और डेट का कॉस्ट कम होते जाएगा तो मैं डेट ज्यादा लूंगा। तो इनडायरेक्ट वे में टैक्स रेट आपको इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, तो दिया है देखो, इफ द टैक्स रेट इज हाई, इफ द टैक्स रेट इज हाई द कॉस्ट ऑफ डेट विल बी लेस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट डिक्रीजेस। ठीक है, ध्यान दो, तो टैक्स रेट ज्यादा है तो कॉस्ट ऑफ डेट कम होगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा डेट का अमाउंट लोगे। ठीक है, इस तरह से ये आपको इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, टैक्स रेट बढ़ेगा तो आपका कॉस्ट ऑफ डेट कम होगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा डेट लेने की कोशिश करोगे। क्लियर है? फिर है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सेम, इक्विटी का कॉस्ट ज्यादा है, बढ़ते जा रहा है, तो आप इक्विटी कम लोगे। इक्विटी का कॉस्ट कम है, कम में आपको इक्विटी मिल रहा है, तो आप इक्विटी ले लो। ठीक है, तो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा, जैसे कॉस्ट ऑफ डेट डायरेक्टली इंपैक्ट करता है कितना डेट आप लेते हो, वैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा कि आप इक्विटी कितना लेते हो। ठीक है, तो वही सब है। और एक और चीज हम पढ़ेंगे जो अपन थेरीज में पढ़ने वाले हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर थेरीज में इसका रेफरेंस आएगा कि डेट के वजह से भी इक्विटी का कॉस्ट बढ़ सकता है। कि अगर आप डेट बहुत ज्यादा लेते जा रहे हो, लोन लेते जा रहे हो, लोन लेते जा रहे हो, लोन लेते जा रहे हो, तो क्या होगा, इंटरेस्ट बर्डन बढ़ते जाएगा, और जो इक्विटी वाले हैं उनकी टेंशन बढ़ते जाएगी कि यार हम कमा रहे हैं वो तो उतना ही है, और डेट का इंक्रीज, इंटरेस्ट का पेमेंट्स बढ़ते जा रहा है। तो जब तक आपका आरओआई ज्यादा है कोई टेंशन नहीं है, फेवरेबल इफेक्ट होगा, आप ज्यादा ही कमाओगे। लेकिन गलती से अगर आपका आरओआई कम हो गया, आपका जीपीएनपी रेशो कम हो गया, तो आप सीधे लॉस में भी जा सकते हो। लेवरेज, इसी को लेवरेज कहते हैं ना, डबल सेज होता है। जब तक आपका आरओआई आपके इंटरेस्ट रेट से ज्यादा चल रहा है, अच्छी बात है, फेवरेबल इफेक्ट होता है लेवरेज का, मौज करो। ठीक है, मौज कर दी बेटा वैसा। और अगर फेवरेबल नहीं है, अगर आपका जो आरओआई है वो इंटरेस्ट से कम हो गया, तो आपके लॉस भी बहुत ज्यादा होंगे, तो डबल एच स्वॉर्ड होता है। ठीक है, तो वो है। तो ये भी हम पढ़ेंगे कि अगर आप एक्सेसिव डेट लेते हो तो इससे इक्विटी वालों का रिस्क बढ़ते जाता है, और इक्विटी का जो एक्सपेक्टेशन है, जो कॉस्ट है, वो भी बढ़ते जाता है। ये भी एक इफेक्ट होता है जो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दिया है देखो, ध्यान दो, एक लाइन आप अंडरलाइन कर लो, ग्रेटर यूज ऑफ डेट इंक्रीज इज द रिस्क ऑफ इक्विटी शोल्डर्स। ग्रेटर यूज ऑफ डेट इंक्रीज इज द रिस्क ऑफ इक्विटी शोल्डर। सर कैसे? मैंने बता दिया आपको, इंटरेस्ट जितना ज्यादा होगा उतना इक्विटी वालों के लिए प्रॉफिट कम बचेगा। आखिरी में नंबर लगता है ना, जिनका आखिरी में नंबर लगता है, पहले जिन जिन का नंबर लगता होगा उनका अगर अमाउंट बढ़ते जा रहा है, तो भाई आपको तो टेंशन होगी कि मेरे लिए कुछ बचेगा कि नहीं। और जब कंपनी बंद होगी तब भी डेट पहले रिपे होती है, इक्विटी सबसे आखिरी में नंबर लगता है, तो अर्निंग भी सबसे आखिरी में मिलती है और कैपिटल भी पूरा सबसे एंड में मिलता है। इसीलिए टेंशन इक्विटी वालों का बढ़ते जाता है अगर डेट आप बहुत ज्यादा लेते जा रहे हो तो। ठीक है, फिर है फ्लोटेशन कॉस्ट यानी इशू कॉस्ट। जब भी आप कोई सिक्योरिटी इशू करते हो, लोन रेस करते हो, तो उसका एक कॉस्ट होता है, फ्लोटेशन कॉस्ट उसको कहते हैं। जैसे लोन ले रहे हो तो मैंने आपको बता दिया था उसका सैंक्शन चार्जेस, डिसबर्समेंट चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस बैंक आपसे वसूल करती है। सिमिलरली आप सिक्योरिटी इशू करोगे तो ब्रोकरेज, वही जो मैंने बताया था कि आपको इंटरमीजरीज अपॉइंट करने पड़ेंगे, उनका पूरा जो फीस है वो देना होगा, फिर कंपनी लिस्ट करानी पड़ेगी, लिस्टिंग चार्जेस, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस लगते हैं, तो वो सब खर्चे को कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो अगर किसी सोर्स में फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा होगा तो उसको आप कम यूज़ करोगे, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट भी तो कॉस्ट बढ़ाता है ना। डेट में अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा है तो कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ते जाएगा, इक्विटी में फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा है तो इक्विटी का कॉस्ट बढ़ते जाएगा। तो ये सब हम पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ जो आपका कैपिटल है, नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 4, उसमें हम पढ़ेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट अगर ज्यादा है, फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ते जाता है, डायरेक्ट इफेक्ट है।
और कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ते जाएगा तो उतना उसका अमाउंट आप कम बोरो करोगे, ठीक है? क्योंकि हम जब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चूज करते हैं तो क्या करते हैं, कम कॉस्ट वाले फंड्स को प्रायोरिटी देते हैं, जिनका कॉस्ट कम होता है उनको पहले हम प्रायोरिटी देते हैं, ज्यादा से अमाउंट कम कॉस्ट वाले फंड्स को चूज करते हैं, ठीक है? तो वो है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट इस तरह से अफेक्ट करेगा। फिर है रिस्क कंसिडरेशन, ठीक है? रिस्क कंसिडरेशन, तो दो रिस्क होते हैं, हमने पढ़ लिया था चैप्टर वन में, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क को ही क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग रिस्क, ठीक है? वही सब है। तो रिस्क ज्यादा है, आपके खर्चे ज्यादा हैं तो उतना डेट आप कम ले पाते हो, और अगर आपके रिस्क कम है तो उतना डेट आप ज्यादा ले सकते हो, ठीक है? फिर है फ्लेक्सिबिलिटी, कि अमाउंट ऑफ कैपिटल इन द बिजनेस शुड बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इजीली, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल बिजनेस पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ डेट कैपिटल और प्रेफरेंशियल कैपिटल। अब ये थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट है कि डेट आप रीपे कर सकते हो, वो रिडीमेबल होती है, प्रेफरेंस शेयर में भी रिडीमेबल होता है, इक्विटी कैपिटल तो इरिडीमेबल होता है, पर आप बायबैक कर सकते हो। अब ये इसमें इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में इक्विटी कैपिटल भी आप डिक्रीज कर सकते हो, रिडक्शन ऑफ कैपिटल, बहुत सारे सिचुएशंस आप पढ़ते ही हो, और नॉर्मल वे में आप देखोगे तो बायबैक से तो आप कैपिटल कम कर ही सकते हो, ठीक है? तो आज की डेट में इतना रेलेवेंट नहीं है। फिर है कंट्रोल, ठीक है? कि कंट्रोल आप डाइल्यूट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, उससे भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होगा, जो मैंने आपको बताई दिया है कि अगर आप कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करना चाहते तो आपको डेट ही लेनी पड़ेगी या रिटेन अर्निंग्स यूज करनी पड़ेगी, आप इक्विटी यूज नहीं करोगे। और अगर आप कंट्रोल डाइल्यूट करना चाहते हो, आप ओपन हो, तो आप इक्विटी भी ज्यादा यूज कर सकते हो, ठीक है? तो कंट्रोल का डाइल्यूशन आप करना चाहते हो कि नहीं, दैट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो वही दिया है, इक्विटी शेयर्स अगर आप रेस करते हो तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे, आपका कम हो जाएगा शेयर होल्डिंग, एंड ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है, इट इज नॉट बी एक्सेप्टेबल टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। और डेट अगर आप लेते हो तो उससे कोई डाइल्यूशन नहीं होता है, इसलिए डेट को ज्यादा प्रेफर किया जाता है बिकॉज ऑफ कंट्रोल। फिर है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सेम हमने पढ़ा कि अगर रेगुलेटरी कुछ डेट इक्विटी रेशो में लिमिट्स हैं 2:1, 4:1, 6:1, तो उसके हिसाब से भी आपको स्ट्रक्चर उसके दायरे में रह के बनाना पड़ता है। फिर है स्टॉक मार्केट कंडीशंस, कि अगर मार्केट फेवरेबल है, इक्विटी का मार्केट फेवरेबल चल रहा है, अच्छे वैल्यूएशंस मिल रहे हैं, इजीली आईपीओ सब्सक्राइब हो रहे हैं, जैसे आज के डेट में हो रहे हैं, आप देखो कुछ भी लॉन्च कर दो सब ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, तो बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं, इक्विटी को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट सिचुएशन अच्छी है, आज अच्छा है, बहती गंगा में हाथ धो लो, इक्विटी रेस कर लो, अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा है, इजीली सब्सक्राइब हो रहा है। और अगर स्टॉक मार्केट सिचुएशन अच्छी नहीं है तो फिर आप इक्विटी रेस नहीं कर पाओगे, आपको जबरदस्ती डेट या कुछ और सोर्सेस ही देखने पड़ेंगे, ठीक है? तो स्टॉक मार्केट सिचुएशंस ऑल्सो डिसाइड्स द कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है? कंडीशंस चेयरफुल हैं तो आप बहती गंगा में हाथ धो लो, बेस्ट चॉइस टू रीप द प्रॉफिट्स, तो आप इक्विटी रेस कर लेते हो, ठीक है? और मार्केट अगर डल है तो फिर आप नहीं ले पाते हो, आप डेट या बैंक बैंक से ही लोन लेते हो, ठीक है? और कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज, आपकी इंडस्ट्री में जो दूसरे कंपनीज हैं जो सेम बिजनेस कर रहे हैं, सेम कस्टमर्स को अप्रोच करते हैं, उनका क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है वो भी देखा जाता है। अगर आपकी इंडस्ट्री में डेट कम लेते हैं लोग तो आपको भी कम ही लेनी पड़ेगी, अगर आप बहुत ज्यादा लोगे तो आपको लोग निगेटिवली देखेंगे, तो आपको मोर और लेस इंडस्ट्री के कैपिटल स्ट्रक्चर से मिलता जुलता स्ट्रक्चर बनाना होता है, ठीक है? तो ये भी इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है? तो ऐसे 14 पॉइंट्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, ठीक है? तो ये पूरा एक पार्ट हो गया, ये पूरा एक पार्ट हो गया, ठीक है? एक एक पार्ट ऑलमोस्ट एक घंटे का ही है, ठीक है? तो ये एक पार्ट हमारा हो गया, अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर हमने सब पढ़ लिया, ठीक है? अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, ठीक है? अच्छे से आराम से डिटेल में पढ़ेंगे, आप यहाँ पे एक पॉज ले सकते हो, एक ही कंटिन्यूएशन में पूरा मत देखो, समझ में नहीं आएगा, तो बेटर है आप पॉज ले लो, यहाँ पे आप पॉज ले लो, मैं भी वीडियो में पॉज लेके ही अभी आगे बढ़ूंगा, ठीक है? तो अपन नेक्स्ट पार्ट, अभी नेक्स्ट इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है? तो एक पॉज ले लो, अभी बेटर रहेगा आपके लिए। चलिए बढ़े आगे, आई होप आपने एक ब्रेक ले लिया होगा, ठीक है? चलिए अब है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, बेसिकली चार कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज हैं, ठीक है? दो सपोर्ट करती हैं
कि यस कैपिटल स्ट्रक्चर इज रेलेवेंट इन डिसाइडिंग द वैल्यू ऑफ फर्म एंड इन मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ फर्म, कि कैपिटल स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर वे में रख के आप वैल्यू मैक्सिमाइज कर सकते हो। दो थेरीज हैं जो ऐसे इसको सपोर्ट करती हैं, और दो थेरीज ऐसी हैं जो कहती हैं नहीं, कैपिटल स्ट्रक्चर कंप्लीटली इररिलेवेंट है, आप जो भी तरीके से फिनेंसिंग करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर की जो फिनेंसिंग है, जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उससे वैल्यू डिसाइड ही नहीं होती। उनका बोलना है वैल्यू का कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कोई लेना देना ही नहीं, मतलब फिनेंसिंग डिसीजंस टाइम पास है, फिनेंसिंग डिसीजंस आप कैसे भी ले लो, वैल्यू ऑफ फर्म अफेक्ट नहीं होती। तो सर कैसे अफेक्ट होती है ये भी तो आपको बताना पड़ेगा। तो उनका बोलना है कि इन्वेस्टिंग डिसीजंस जो होते हैं, जो कैपिटल बजटिंग है आपकी, जो प्रोजेक्ट्स आप सिलेक्ट करते हो, उनकी जो अर्निंग होती है उससे आपकी वैल्यू डिसाइड होती है, न कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, न कि कैपिटल स्ट्रक्चर से। क्लियर है? तो ऐसे दो अलग अलग रास्ते हैं, टोटल ऐसे चार थेरीज हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो चार थेरीज का पहले तो नाम क्या है सर? नंबर वन एनआई अप्रोच, एनआई नेट इनकम अप्रोच। सेकेंड है नेट इनकम अप्रोच, NOI। ठीक है, थर्ड इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड फोर्थ इज MM अप्रोच, मोडिग्लानी मिलर अप्रोच। ठीक है, तो चार ऐसे अप्रोचेस हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने इसको भी कंपैरेटिवली आपको सिंप्लीफाई करके आपके लिए मैंने मेहनत की है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे, समझेंगे कि ये क्या बोलते हैं, इन्होंने क्या अजम्पशन ले रखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान यही देना है कि इन्होंने क्या अजम्पशन ले रखे हैं, क्योंकि जो भी ये चीजें कह रहे हैं वो चीजें तभी होती हैं जब उनके अजम्पशंस आप पकड़ पाओ। अजम्पशंस पकड़ लिए तो वो जो कह रहे हैं, जो हाइपोथेसिस निकाल रहे हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, वो कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। सब चैलेंज ये है कि आप अजम्पशंस पकड़ो, क्योंकि आज की डेट में जो चीज़ें हो रही हैं वो यहाँ पे नहीं है, इन्होंने अपनी दुनिया खुद बनाई हुई है, उन्होंने अपने अजम्पशन लिए हुए हैं, और इसलिए वो जो कह रहे हैं उनके हिसाब से वो सही है। आप रियल लाइफ से कंपेयर न करें, रियल लाइफ से कंपेयर ना करें, उनकी दुनिया में जाके उनकी थ्योरी को समझना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, तो पहला है सर एनआई अप्रोच। एनआई अप्रोच कहता है कि यस कैपिटल स्ट्रक्चर इज रेलिवेंट, कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करके आप वैल्यू ऑफ फर्म को मैक्सिमाइज कर सकते हो। क्लियर है? तो ये सपोर्ट करती है, टिक मतलब सपोर्ट। ठीक है, तो यस देयर इज अ रिलेशन बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर, सी एस मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर, एंड द वैल्यू ऑफ फर्म, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर इज रेलिवेंट। ठीक है, उनका कहना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर रेलिवेंट है इन डिसाइडिंग द वैल्यू ऑफ फर्म। अब इन्होंने क्या अजम्पशन ले रखे हैं, ध्यान दो। नंबर वन कि हमेशा जो कॉस्ट ऑफ डेट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दैट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, हमेशा जो डेट का कॉस्ट है वो कम ही होगा और इक्विटी का जो कॉस्ट है वो ज्यादा ही होगा, ऐसा इन्होंने अज्यूम किया हुआ है। फिर है कि ये दोनों जो कॉस्ट हैं, कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आर नोन, हमको पता है कि कितना लगने वाला है, अनसर्टेनिटी नहीं है, हमको पता है कि हम ये डेट लेंगे तो इतना रेट लगेगा, इक्विटी फंड्स करेंगे तो ये कॉस्ट लगेगा, हमको पता है कि कॉस्ट क्या चल रहे हैं, और ये कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, मतलब हर रुपी हर डेट जब आप बोरो करोगे तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मिलेगा। ये भी इनका देखो अजम्पशन है, रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, डेट का रेट अलग अलग होता है, SBI से लोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है, कैनरा बैंक से लोगे तो अलग होता है, प्राइवेटली किसी से लोगे तो अलग हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोगे तो अलग होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग ही होते हैं। पर यहां उन्होंने माना है कि डेट जब भी आप लोगे, जब भी आप डेट से फंडिंग करोगे, उनका कॉस्ट सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सेम गोज फॉर इक्विटी, जब भी आप इक्विटी कैपिटल रेज करोगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी सब में सेम रहेगा। क्लियर है? ये इनका अजम्पशन है। फिर है जो मैंने आपको बताया, ध्यान दो, कि यूज ऑफ मोर डेट डज नॉट, यूज ऑफ डेट डज नॉट इंक्रीज द रिस्क परसेप्शन, कि मैं डेट जितना भी ले लूं, इक्विटी वालों को ऐसा नहीं लगेगा कि रिस्क बढ़ गया है और उनकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं बढ़ेगी, मतलब डेट की वजह से इक्विटी में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ऐसा उन्होंने अज्यूम किया हुआ है। तो ये भी देखो इलॉजिकल अजम्पशन है, लॉजिकली आप सोचोगे तो अपने अपने पढ़ा हुआ है कि डेट जितना आप ज्यादा लेते जाओगे, ज्यादा लेते जाओगे, उतना इक्विटी का टेंशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा और उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न, उनका जो कॉस्ट है वो बढ़ते जाएगा, तो ये होता ही है। पर इन्होंने अज्यूम किया हुआ है कि ऐसा नहीं होगा,
इक्विटी वाले ये नहीं देखेंगे कि डेट कितनी है, और डेट के हिसाब से उनका कॉस्ट या परसेप्शन या रिस्क नहीं बदलेगा। क्लियर है? तो ऐसा इन्होंने माना है, और एक नॉर्मल अजम्पशन है कि पूरा जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो हमको पता है कि फर्म को कितने पैसे की नीड है, पूरे कैपिटल की नीड है वो हमको पता है, और वो कांस्टेंट है कि कैपिटल की नीड बदल नहीं रही है। ये भी देखो, रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, हर रोज़ कैपिटल की रिक्वायरमेंट बदलते रहती है, पर ऐसा इनका बोलना है कि नहीं, फिक्स होगा और कांस्टेंट रहेगा, उतना ही कैपिटल रहेगा टोटल रिक्वायरमेंट। ठीक है? तो ऐसे चार अजम्पशंस इन्होंने लिए हुए हैं, और जब ये चार अजम्पशंस आप लोगे तब कैपिटल स्ट्रक्चर आपको भी लगेगा कि रेलेवेंट है। ठीक है? तो इनका क्या बोलना है, ध्यान दो, डायग्राम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान दो। इन्होंने क्या कहा था कि कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी आर कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब ही क्या है कि वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है। ठीक है? ध्यान दो, अजम्पशंस से मैच करो बिहेवियर, तो कॉन्स्टेंट है इसीलिए स्ट्रेट लाइन है, वो चेंज नहीं हो रही है क्योंकि कॉन्स्टेंट है। और दूसरा सवाल उठना चाहिए कि इक्विटी की लाइन ऊपर क्यों है और डेट की लाइन नीचे क्यों है। ये भी हमने पढ़ाई है कि कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसलिए डेट की लाइन नीचे रहेगी और इक्विटी की लाइन ऊपर रहेगी, क्योंकि वाई एक्सिस पे क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये उसका लॉजिक, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट, इसीलिए इक्विटी की लाइन ऊपर आएगी और डेट की लाइन नीचे आएगी। क्लियर है? और अब जब आप इसका एक्स एक्सिस देखोगे, ये है डिग्री ऑफ लेवरेज, कि आप डेट का परसेंटेज कितना लेते हो, डेट का कंपोनेंट कितना है टोटल कैपिटल में। जैसे जैसे आप डेट बढ़ाओगे, डेट का क्वांटिटी बढ़ाओगे, डेट का अमाउंट बढ़ाओगे, ठीक है, तो ये ऐसा है कि यहां क्या हो रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का प्रपोर्शन बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे आप डेट को बढ़ाओगे तो आपका जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम होते जाएगा, क्योंकि कम कॉस्ट वाले फंड्स आप बढ़ा रहे हो। मिक्सचर आपको समझना है, मैथमेटिक्स, वेटेड एवरेज, कि कम कॉस्ट वाला जो अमाउंट है वो बढ़ाते जाओगे तो आपका वेटेड एवरेज जो कॉस्ट है वो कम होते जाएगा। अब डेट का रेशो अगर बढ़ रहा है, मतलब इक्विटी का रेशो कम भी तो हो रहा है ना, दोनों मिला के 100 होता है ना भाई। अगर 50-50% मैं डेट इक्विटी ले रहा हूं, अब मैं अगर डेट को 50 से बढ़ा के 60 करूंगा तो ये कैसे पॉसिबल है? जब मैं इक्विटी को 50 से 40 लाऊंगा तभी होगा ना। तो जब जब डेट बढ़ रही है, साइमल्टेनियसली आपको यह भी समझना है कि इक्विटी कम हो रहा है, डेट बढ़ते जा रहा है, इक्विटी कम होते जा रहा है। तो लो कॉस्ट फंड्स बढ़ते जा रहे हैं, हाई कॉस्ट फंड्स कम होते जा रहे हैं। तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, KO, वो धीरे 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 कम होते जाएगा। ठीक है? तो वो यहां से स्टार्ट होता है, इक्विटी से, कि जब जीरो डेट है, समझो बात को, जब जीरो डेट है तो क्या होगा, जितनी इक्विटी की कॉस्ट है उतनी जो ओवरऑल कॉस्ट होगी, तो वो यहां से स्टार्ट होगा। और जैसे जैसे आप डेट स्टार्ट करोगे वो डिक्रीज होते जाएगा, क्योंकि लो कॉस्ट फंड्स आप बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है? और वो यहां आके भी टच हो सकता है कि भाई अगर यहां 100% आ गया कि पूरा का पूरा डेट आपका आपने ले लिया, इक्विटी है ही नहीं, तो तब भी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ डेट जितनी हो जाएगी, तो यहां वो टच कर सकती है। ठीक है? अज्यूमिंग कि आप 100% डेट ले सकते हो, ठीक है, अज्यूमिंग कि आप 100% डेट ले सकते हो तो वो टच हो जाएगी। ठीक है? चलिए, तो ये पूरा आपको समझना है। तो यहां पे कौन से कॉस्ट हमको पता है, कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इन दोनों से हम ओवरऑल कॉस्ट निकाल रहे हैं, समझो बात को, जब कंपेयर करेंगे तो तब कंफ्यूजन होगा, इसलिए अच्छे से बता रहा हूं कि यहां पे KD एंड KE हमको पता है, नोन एंड कॉन्स्टेंट, और हम क्या निकाल रहे हैं, KO। KO हमको पता नहीं है, और KO दोनों के वेटेड एवरेज से निकलता है। ठीक है? तो ये नॉर्मल ऐसा ही होता है, ठीक है, नॉर्मल, पर आप जब आगे की थेरीज पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा अलग माइंडसेट दिखेगा। ठीक है? तो ये आपको ख्याल में आ गया, NI अप्रोच ख्याल में आ गई क्या, पहले बताओ। NI अप्रोच क्या बोल रही है कि डेट का कॉस्ट हमेशा कम होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या जो रेट ऑफ है कॉस्ट का जो रेट है वो कॉन्स्टेंट होगा, एडिशनल जो भी आप रेस करोगे वो सेम रेट से ही आपको मिलेगा। क्लियर है? और टोटल कैपिटल हमको पता है कि कितने की रिक्वायरमेंट है और वो कॉन्स्टेंट रहेगा, और डेट के वजह से इक्विटी का कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। ठीक है? तो ऐसा अगर आप सोचोगे तो इनका बोलना है कि देखो कैपिटल स्ट्रक्चर रेलेवेंट है, आप कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हो, और जहां पे कॉस्ट मिनिमाइज होगी
वहां पे आपका वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज रेलिवेंट, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, ये तो फटाफट मैं दिखा देता हूं कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ फर्म एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो लिखा है फर्म कैन अफेक्ट इट्स वैल्यू बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द डेट कॉम्पोनेंट इन द ओवरऑल फाइनेंशियल मिक्स। तो आप वैल्यू को कम ज्यादा कर सकते हो बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये उसके अजम्पशंस हैं जो हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, वो सब वही डिग्री जो परसेंटेज है उसका वो दिया हुआ है। तो ये भी वही दिया है कि कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल नॉट चेंज। अब ध्यान दो, ये टू पॉइंट्स आप ध्यान दो कि एज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ फर्म विल गो अप, क्योंकि उसका फॉर्मूला है। ठीक है, ध्यान दो फॉर्मूला क्या है, अर्निंग डिवाइडेड बाय कॉस्ट, ऐसा उसका फॉर्मूला होता है। वैल्यू इज इक्वल टू अर्निंग्स अपॉन कॉस्ट। कॉस्ट कहाँ है, डिनोमिनेटर में। जब भी कोई चीज डिनोमिनेटर में होती है तो उसका रिलेशन क्या होता है, उल्टा इनवर्स रिलेशन होता है, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर बढ़ाओगे वैल्यू कम हो जाएगी, डिनोमिनेटर कम करोगे वैल्यू बढ़ते जाएगी। क्लियर है मैथमेटिक्स? ठीक है, तो कॉस्ट क्योंकि डिनोमिनेटर में है इसीलिए उसका इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो वो दिया है कि जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा वैल्यू बढ़ते जाएगी। ठीक है, एज इट इज डिपेंडेंट अपॉन द रिटर्न एक्सपेक्टेड एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट, लिखा हुआ है। तो ये मैथमेटिक्स है, इनवर्स क्यों है, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट बिटवीन द वैल्यू ऑफ फर्म एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर एनी गिवन लेवल ऑफ रिटर्न। दिस मीन्स एज वी इंक्रीज द लेवल ऑफ डेट इन द कंपनी वैल्यू ऑफ फर्म विल गो अप एंड इवन फर्दर। दिस मीन दैट द कंपनीज वुड लाइकली टू एम्प्लॉय एज मच डेट एज पॉसिबल। तो ये थ्योरी यही रिकमेंड करती है कि डेट जितना चाहे यूज करो, 100% डेट भी अगर मिलता होगा तो 100% डेट ले लो और वो स्ट्रक्चर पे आपकी वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि आपको वैल्यू मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना चाहिए, 100% डेट लेना चाहिए। मतलब ये एक्सट्रीम थ्योरी है, एक्सट्रीम तक जाती है, मॉडरेशन या मिक्स वो सब नहीं बताती है। वो कहती है कि डेट का कॉस्ट कम होता है, डेट का कॉस्ट कम होता है हमेशा। उत्तरदमशन ही लिया हुआ है ना उन्होंने कि डेट का कॉस्ट कम होता है और वो कांस्टेंट होगा, समझो बात को। आगे जितना भी फंडिंग लोगे वो रेट कांस्टेंट ही रहेगा और डेट के वजह से इक्विटी का भी कॉस्ट बढ़ नहीं रहा, इसीलिए ये कह रहे हैं कि डेट जितना मिल रहा है ले लो, 100% भी मिल रहा है पूरा पैसा डेट से ही ले लो और वो जो होगी वो कम से कम आपकी कॉस्ट आएगी कैपिटल की और वहां पे आपकी वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाएगी। क्लियर है? तो ये थ्योरी कहती है 100% डेट ले लो, ये कैपिटल स्ट्रक्चर पे आपकी वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेकेंड थ्योरी, NOI, NOI नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ठीक है, ऑपोजिट ऑफ NI। ठीक है, ये पूरी ऑपोजिट है NI की। तो ये जाहिर सी बात है क्या कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज इरेलीवेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर इज इरेलीवेंट इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, तो डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म। अब ऐसा क्यों, अब इनके अजम्पशन सुनो। ठीक है, पहला है, ध्यान देना कि डी एंड के ओ आर नोन एंड कॉन्स्टेंट। यहां वो क्या कह रहे हैं कि डेट का कॉस्ट हमको पता है और वो कॉन्स्टेंट रहेगा, ये तो वहां पे भी था, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। पर यहां वो के ई के जगह पे के ओ को कॉन्स्टेंट मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कॉन्स्टेंट ही होती है। आप कोई भी मिक्स ले लो, डेट इक्विटी कोई भी ले लो, ओवरऑल कॉस्ट जो होती है ना वो कॉन्स्टेंट ही होती है और इसी वजह से कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस इररिलेवेंट होते हैं, क्योंकि टोटल कॉस्ट जो ओवरऑल कॉस्ट होती है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होती है और आपकी जो फर्म की वैल्यू है वो कॉस्ट से डिसाइड होती ही नहीं है, वो आपकी अर्निंग से डिसाइड होती है, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस से डिराइव होती है। आ रहा है, डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन बदल रहा है, समझो बात को। ठीक है, केई के बारे में भी आएगा। ठीक है, ध्यान दो, केओ एंड केडी आर कॉन्स्टेंट एंड आर नोन, टैक्सेस बिल्कुल नहीं है। और ध्यान दो, अब यहां पे अजम्पशन लिया गया, इफ मोर डेट इज यूज्ड इट इंक्रीजेस। ध्यान दो, यहां उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा अज्यूम नहीं किया है, यहां फर्क पड़ता है। डेट ज्यादा लोगे तो इक्विटी का रिस्क बढ़ेगा और इक्विटी का कॉस्ट बढ़ते जाएगा, ये उन्होंने अज्यूम किया हुआ है। ठीक है, इफ मोर डेट इज यूज्ड इट इंक्रीजेस द रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर्स दैट इज इक्विटी। और फिर कि वैल्यू
डिटरमाइन कहाँ से होगी? अगर वो कह रहे हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर रेलिवेंट नहीं है, तो भैया बताओ तो सही, वैल्यू कहाँ से डिसाइड होती है? ठीक है, तो वो दिया है उन्होंने, वैल्यू ऑफ फर्म इज डिटरमाइंड बाय इट्स फ्यूचर अर्निंग्स, दैट इज ईबीआईटी। ईबीआईटी से डिसाइड होती है। ईबीआईटी के बाद आप किसको कितना बांटते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कमाते कितना हो इससे वैल्यू डिसाइड होती है, ठीक है, एंड नॉट बाय इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इनका डायग्राम थोड़ा अलग है, इनका डायग्राम अलग है, ध्यान दो, KO एंड KD आर कॉन्स्टेंट, तो इसलिए ये दोनों स्ट्रेट लाइन है। आई ख्याल में KD एंड KO आर कॉन्स्टेंट, तो वो दोनों स्ट्रेट लाइन आएंगी। ऑब्वियसली KD कम होगा और ओवरऑल कॉस्ट ज्यादा होगा, इसलिए KO की लाइन ऊपर आएगी और KD की लाइन नीचे आएगी। ठीक है, अब KE कैसे डिसाइड होगा? तो KE इनके ये अजम्पशंस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये जो इन्होंने किया है, ये जो किया है इन्होंने, ये अजम्पशंस से उसका बिहेवियर डिसाइड होता है कि जैसे जैसे आप डेट बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप डिग्री ऑफ लेवरेज बढ़ाओगे, आपका इक्विटी का कॉस्ट बढ़ते जाएगा, ये उन्होंने अज्यूम किया है। इसीलिए आपको देखेगा कि इक्विटी का कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। आए ख्याल में? तो इनका कहना है कि लेवरेज यूज करके जो आपका फायदा हो रहा है, जो आपका आफ्टर टैक्स कॉस्ट कम है ना, इसका जो फायदा है वो इक्विटी बढ़ने के वजह से पूरी तरह से एग्जैक्टली ऑफसेट हो जाता है, एग्जैक्टली, और इसीलिए ये पूरा कांस्टेंट है, हल्का भी बदलता नहीं है, क्योंकि जितना डेट से फायदा आप ले रहे हो एग्जैक्टली उतना नुकसान आपका इक्विटी के कॉस्ट के बढ़ने के वजह से हो रहा है। आ रहा है ख्याल में? तो ये पूरा इनका कंसेप्ट है। तो ये है आपकी थ्योरी। ठीक है, बता देता हूं मैं ऊपर ऊपर से, NOI अप्रोच, तो ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है ऑफ NI अप्रोच, ऑपोजिट ऑफ NI अप्रोच। तो ये क्या कहता है कि भाई आपकी जो वैल्यू है वो आपकी अर्निंग यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि EBIT से डिसाइड होती है एंड नॉट बाय द फाइनेंसिंग मिक्स। ठीक है, द फाइनेंसिंग मिक्स और द कैपिटल स्ट्रक्चर इज इरेलेवेंट एंड डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। अब इनके अजम्पशंस थे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और अब ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान देने हैं। ठीक है, ध्यान दो, एज द कॉस्ट ऑफ टोटल कैपिटल एंड डेट इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, टोटल कैपिटल और डेट का कॉस्ट कॉन्स्टेंट है, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी विड गो अप और डाउन विद द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लेवरेज। लेवरेज बढ़ाते जाओगे तो इक्विटी का कॉस्ट बढ़ते जाएगा बिकॉज ऑफ लेवरेज, और अगर लेवरेज घटाते जाओगे तो इक्विटी का कॉस्ट भी कम होगा। बोथ साइड्स ये टू एंड फ्रो आप जा सकते हो। ठीक है, दिस मीन्स दैट एज वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ लेवल ऑफ डेट इन द कंपनी द वैल्यू ऑफ फर्म डजंट चेंज एंड द कंपनी डज नॉट बेनिफिट बाय टेकिंग ऑन डेट। दिस वुड मीन दैट कंपनीज वुड लाइक टू एम्प्लॉय एज मच इक्विटी एज पॉसिबल सो एज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द कंपनी। आई ख्याल में? तो ये इनका कहना है कि आप इक्विटी ज्यादा से ज्यादा लो, डेट मत लो, क्योंकि डेट लोगे तो इक्विटी का कॉस्ट भी बढ़ते जाएगा। डेट ज्यादा लोगे तो इक्विटी का कॉस्ट बढ़ते जाएगा, तो जितना डेट से आपको फायदा होगा इक्विटी का कॉस्ट उतना बढ़ते जाएगा, ओवरऑल कॉस्ट तो उतना ही है, तो रिस्क क्यों ले रहे हो? अब डेट जब आप ले रहे हो तो रिस्क तो बढ़ते जा रहा है ना, डिफॉल्ट का रिस्क तो रहेगा ही, टैक्स एडवांटेज है, उसका कॉस्ट कम है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। अरे पर इक्विटी का कॉस्ट बढ़ने की वजह से वो तो ऑफसेट हो जा रहा है ना, तो ज्यादा डेट लेके फायदा ही क्या है जब आपका ओवरऑल कॉस्ट तो कांस्टेंट ही है, तो फालतू में आप डेट ले रहे हो, और अगर आपने डिफॉल्ट किया तो सीधे कंपनी बंद हो सकती है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि डेट कम से कम लो, क्योंकि कॉस्ट वाइज तो कोई फायदा हो ही नहीं रहा ना, कि जितना डेट ज्यादा ले रहे हो उतना ही इक्विटी का कॉस्ट भी बढ़ते जा रहा है, जितना डेट की वजह से कॉस्ट में फायदा हो रहा है उतना ही इक्विटी के कॉस्ट के बढ़ने से ऑफसेट हो जा रहा है, तो फिर हम डेट क्यों ले? इनका यही सवाल है कि डेट ले ही क्यों, क्योंकि जितना फायदा हो रहा है उतना वहां नुकसान हो रहा है, ऑफसेट हो जा रहा है, ओवरऑल कॉस्ट तो कांस्टेंट ही है, तो फिर मैं डेट क्यों लूं? इक्विटी लूं ना, जिसमें मेरा कंपनी के एंगल से बर्डन कम है, मुझे डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है, सिक्योर्ड भी नहीं होता। डेट लोगे फालतू फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा, डिफॉल्ट किया तो सीधे एसेट पे चार्ज होता है, बेच के वसूल कर सकते हैं, बिजनेस सीधे बंद हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि डेट कम से कम लो, इक्विटी ज्यादा से ज्यादा लो। ठीक है, तो इस थ्योरी का क्या कहना है, एम्प्लॉय एज मच एज इक्विटी। ठीक है, तो ये भी एक्सट्रीम थ्योरी है। ठीक है, बिल्कुल एक्सट्रीम तक जा रही है कि 100% भी इक्विटी मिलता है तो 100% ले लो, और यहां ये क्या कह रहा है 100% डेट ले लो। ठीक है, दोनों थ्योरीज एक्सट्रीम है, कोई एक प्रॉपर बैलेंस बनाने की बात नहीं करती है। या तो पूरा डेट ले लो ऐसा बोलता है, या तो पूरा इक्विटी ले लो ऐसा बोलता है। ठीक है,
तो ये दो थेरीज हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब है ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बैलेंसिंग वाली थेरी है, ये दोनों जो एनआई और एनओआई है इसमें एक बैलेंस थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी अप्रोच फॉलो करती है, बट ये भी कहती है कि यस कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फर्क पड़ता है, कैपिटल स्ट्रक्चर का फर्क पड़ता है, कंप्लीटली इग्नोर आप नहीं कर सकते हो, वैल्यू ऑफ फर्म डिसाइड करने में उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब क्या कैपिटल स्ट्रक्चर रखें, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच बताती है। ट्रेडिशनल अप्रोच में ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आता है, ठीक है। ध्यान दो, तो ये एक कॉम्प्रोमाइजिंग व्यू है, एक्सट्रीम को मतलब ये ध्यान नहीं दे रहे, एक बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए ये थ्योरी बनी है, ठीक है। तो दिया है कॉम्प्रोमाइजिंग व्यू बिटवीन एनआई एंड एनओआई, देयर एग्जिस्ट एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर वेयर द वैल्यू ऑफ फर्म इज मैक्सिमम। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा आता है एक पॉइंट, एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर है जहां पे आपका कॉस्ट मिनिमाइज हो जाता है और वहां पे आपका वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाता है, और वो कोई एक्सट्रीम कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं, 100% डेट 100% इक्विटी ऐसा वो नहीं है, कोई तो कहीं तो बीच में आएगा, बैलेंस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर रहेगा ऐसा इनका कहना है, ठीक है। अब इनके अजम्पशन सुन लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, कि इंटरेस्ट रेट कॉन्स्टेंट रहेगा फॉर सर्टन पीरियड, सर्टन पीरियड पर लॉन्ग टर्म में कॉस्ट ऑफ डेट कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, लॉन्ग टर्म में वो बढ़ता या कम होता है बेस्ड ऑन द मार्केट फैक्टर्स। तो ये उन्होंने अज्यूम किया है, ध्यान दो ये थोड़ा रियलिस्टिक है, वही मैं कह रहा हूं, बट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन डेट, जैसे जैसे आप डेट और लेते जाओगे एडिशनल जो डेट मिलेगी उसका रेट धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, क्योंकि आपका पुराना डेट ही इतना जमा हो गया है कि रिस्क बढ़ते जा रहा है। पहले आपने 5% पे लिया है तो अगला डेट 5 पे नहीं मिलेगा, 5.1, 5.2, धीरे 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 डेट का रेट भी बढ़ते जाएगा, ठीक है, ये अलग अजम्पशन है, ठीक है। फिर विद इंक्रीज इन डेट, ये तो सेम है कि भाई डेट बढ़ाओगे तो इक्विटी का भी कॉस्ट बढ़ते जाएगा, रिस्क बढ़ते जाएगा, लेवरेज बढ़ते जाएगा, तो इक्विटी का भी रिस्क बढ़ते जाएगा और वो ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे रिटर्न, ठीक है, उनका भी कॉस्ट बढ़ते जाएगा, तो ये तो सेम अजम्पशन है। तो ये दो देखो ऐसे अजम्पशंस हैं और इसीलिए इनका जो कंक्लूजन है वो थोड़ा सा अलग है। तो इनका डायग्राम देखो भाई, इनके सब कर्व आते हैं, कर्व आते हैं, ठीक है, ध्यान दो, के डी कॉन्स्टेंट है ही नहीं, कोई स्ट्रेट लाइन आएगी नहीं क्योंकि इन्होंने कॉन्स्टेंट वाला कोई अजम्पशन लिया ही नहीं है, इक्विटी भी इन्होंने कॉन्स्टेंट नहीं माना है, डेट भी कॉन्स्टेंट नहीं माना है और केओ भी कॉन्स्टेंट नहीं माना है, ठीक है। एक शॉर्ट टर्म में बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए वो हो सकता है कॉन्स्टेंट हो, पर ग्रेजुअली वो कम ज्यादा होते रहेगा बेस्ड ऑन मार्केट फैक्टर्स। तो जैसे जैसे आप डेट बढ़ाओगे, ठीक है, जैसे जैसे आप डेट बढ़ाओगे डेट ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होगी, पर धीरे धीरे एक लिमिट के बाद डेट भी बढ़ते जाएगी, जो इन्होंने कहा है कि कुछ समय तक कॉन्स्टेंट होगी फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएगी, ठीक है। फिर इक्विटी का भी सेम, कुछ लिमिट तक डेट एक्सेप्टेबल होती है, इक्विटी तो ऐसा तो नहीं कि एक एक रुपया लोगे और उनका बीपी बढ़ते जाएगा और वो ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना, एक लिमिट तक तो इक्विटी वालों को पता ही है ना कि डेट लेंगे, बात बात पे थोड़ी उनका बीपी बढ़ेगा, एक लेवल क्रॉस जब हो जाती है तब उनको टेंशन होता है, ठीक है। तो एक लिमिट तक डेट यानी इक्विटी का भी कॉस्ट कॉन्स्टेंट होता है, लेकिन धीरे धीरे जब जैसे जैसे डेट बढ़ेगा वैसे से तब वो इम्पैक्ट करेगा इक्विटी को, और इन दोनों का वेटेड एवरेज जब आप लोगे तो वही आता है के ओ, डेट का कॉस्ट नॉर्मली कम ही होता है तो उसकी लाइन नीचे आएगी और इक्विटी का कॉस्ट ज्यादा आता है, और इन दोनों का वेटेड एवरेज लिया जा रहा है इसलिए केओ की लाइन इन दोनों के बीच में आएगी, न तो वो केई के ऊपर जा सकती है न तो वो केडी के नीचे जा सकती है, इट विल बी इन बिटवीन ऑफ केओ क्योंकि वो वेटेड एवरेज है, ठीक है। तो ऐसा है, तो ये इन दोनों का ही शेप केओ ले लेता है। तो इनका कहना है कि बीच में ऐसा स्लॉट आएगा जहां पे लोएस्ट पॉइंट आता है कर्व का एक लोएस्ट पॉइंट आएगा, तो वो लोएस्ट जहां पे भी पॉइंट आएगा वो आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, वहां पे आपका कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगा और एग्जैक्टली उसी स्ट्रक्चर में आपका वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो एक रेंज आएगी, लोएस्ट कर्व का पॉइंट आएगा तो वो रेंज को ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की रेंज मानी जाती है, ठीक है। तो ऐसा है जहां पे कर्व कांस्टेंट है और ये लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट आपको देखना है, ठीक है, क्योंकि ये कॉस्ट है, जहां कॉस्ट लो होगी सबसे कम होगी वहीं पे वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, क्लियर है। चलिए,
तो ऐसा है, ठीक है, आई होप आपको डिफ्रेंशिएट आप कर पा रहे हो। तो ये उसका इंटरप्रिटेशन है, लोएस्ट पॉइंट ऑन द केओ कर्व इज द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये एक्सट्रीम नहीं है, ये प्रॉपर बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए कहती है कि जब तक डेट का फायदा हो रहा है तब तक आप डेट लो, जब तक डेट का फायदा हो रहा है, जब तक उसके वजह से ओवरऑल कॉस्ट कम हो रहा है यू शुड टेक डेट, पर जैसे जैसे उसके वजह से नुकसान हो रहा है बिकॉज इक्विटी का एक्सपेक्टेशन बढ़ते जा रहा है, नेगेटिव इफेक्ट जहां से डेट का स्टार्ट हो रहा है आपको रुक जाना चाहिए, उससे ज्यादा डेट नहीं लेने चाहिए क्योंकि उससे फायदा कम नुकसान ज्यादा हो रहा है और ओवरऑल कॉस्ट आपकी बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो ऐसा है, तो ये उनका कहना है। और लास्ट है सर एमएम अप्रोच, मोडिग्लानी मिलर अप्रोच, और ये भी कहते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररेलेवेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररेलेवेंट और फर्म की वैल्यू डिसाइड करने में कोई रोल नहीं प्ले करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि वैल्यू अर्निंग से डिसाइड होती है, ईबीआईटी से डिसाइड होती है, न कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो इनके भी सेम अजम्पशंस हैं जैसे एनओआई अप्रोच का है, एनओआई अप्रोच जैसा ही है, ठीक है, लिख सकते हो आप याद रखने के लिए, एनओआई अप्रोच जैसा ही इनका अजम्पशन है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फर्म इज डिटरमाइंड बाय द फ्यूचर अर्निंग्स एंड नॉट बाय द कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, टैक्सेस वगैरह नहीं है, कैपिटल मार्केट्स परफेक्ट है। और इन्होंने तीन बेसिक प्रपोजिशंस बनाए हैं, डेरिवेशंस बनाए हैं, क्या डिराइव किया इन्होंने कि वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो अर्निंग से निकलती है कि आप कितना कमाते हो, न कि उसको आप कैसे बांटते हो, बांटना इंपॉर्टेंट नहीं है, कमाना इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो पूरे फर्म का अर्निंग है, पूरे कैपिटल एम्प्लॉयड पे आप क्या कमाते हो, ईबीआईटी, तो पूरे कैपिटल का अर्निंग डिवाइडेड बाय पूरे कैपिटल का कॉस्ट, ईबीआईटी अपॉन केओ, इससे आपकी वैल्यू डिसाइड होती है। तो इसमें देखो केई केडी का कोई रोल ही नहीं है क्योंकि केओ कांस्टेंट होता है, ऐसा उनका मानना है, ठीक है। तो ये उनका डेरिवेशन है कि वैल्यू ऑफ फर्म इज डिसाइडेड बाय डिवाइडिंग ईबीआईटी बाय केओ। फिर ये कहता है कि केई जो है, केई धीरे धीरे बढ़ते जाता है, सेम जो अपन ने एनओआई में पढ़ा कि डेट जैसे जैसे आप ज्यादा लोगे उसके वजह से इक्विटी वालों का रिस्क बढ़ेगा और इक्विटी बढ़ते जाएगा कॉस्ट। तो ये कैसे बढ़ता है, इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि भाई केडी जो केओ है आपका प्लस प्रीमियम, के इज केओ प्लस प्रीमियम, और ये प्रीमियम क्या है, तो उन्होंने एक टेक्निकल फॉर्मूला निकाला है कि जो भी आपका डेट इक्विटी रेशो है, डेट इक्विटी रेशो आप रेशनल्स में पढ़ते हो, 2:1, 3:1, जो भी आपका रेशो होता है, डेट इक्विटी रेशो मल्टीप्लाइड बाय केओ माइनस केडी। तो ये मैथमेटिकली एग्जैक्टली एक्यूरेट आ रहा है कि जितना डेट के वजह से फायदा होता है एग्जैक्टली उतना ही इक्विटी का कॉस्ट बढ़ता है, और इसीलिए एग्जैक्टली मैथमेटिकली वो कांस्टेंट रहता है केओ। केओ एग्जैक्टली कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि इनका मानना है कि केओ प्लस प्रीमियम मिला के ही केई होता है, और ये प्रीमियम एक सर्टन फैशन में बिहेव करता है, और इसीलिए एग्जैक्टली वो ऑफसेट हो जाता है, जितना भी डेट से फायदा हो रहा है उतना इक्विटी का कॉस्ट बढ़ जाता है, वो ऑफसेट हो जाता है, और इसीलिए केओ एट ऑल पॉइंट्स कांस्टेंट रहता है, ऐसा उनका मानना है। इन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है मैथमेटिकली ये कैसे वर्क करता है, ठीक है, ये आपको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इनका कहना है कि फाइनेंसिंग डिसीजन ही बेकार है, फाइनेंसिंग डिसीजंस लेके कोई फायदा ही नहीं है, और हमको इन्वेस्टिंग डिसीजंस में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और इन्वेस्टिंग डिसीजंस में कैपिटल बजटिंग में हम पढ़ेंगे कि कट ऑफ रेट लिया जाता है कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें या नहीं करें, इसके लिए कट ऑफ रेट यूज होता है, हर्डल रेट, कट ऑफ रेट, बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं, और उसमें आप पढ़ोगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी कट ऑफ रेट काफी बार यूज किया जाता है। तो इनका कहना है कि कट ऑफ रेट शुड नॉट बी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कट ऑफ रेट से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। कट ऑफ रेट फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इज नॉट अफेक्टेड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर, इट एम्फसाइजेस दैट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि दोनों कनेक्टेड हैं, दोनों को साथ में मिलकर डिसीजन लेना चाहिए क्योंकि दोनों का एक दूसरे से लेना देना है। पर ये क्या कह रहे हैं, नहीं भैया दोनों अलग अलग हैं, फाइनेंसिंग आप जैसे भी करो, इन्वेस्टिंग डिसीजंस इंडिपेंडेंट है, उसको इंडिपेंडेंटली लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एकदम एक्सट्रीम थ्योरी है, थोड़ी नॉर्मल से हटके है, ठीक है, तो ये सब ध्यान देना है। तो ये है आपका एमएम अप्रोच। तो इसमें एक जो टफ चीज है वो मैं आपको भी बता देता हूं कि इनका बोलना है कि
इन्होंने एक आर्बिट्राज का जस्टिफिकेशन दिया, आर्बिट्राज कि मार्केट में आर्बिट्राज प्रोसेस वर्क करता है कि अगर कोई कंपनी है, दो कंपनीज हैं, एक है जिन्होंने लोन लिया है और एक है जिन्होंने लोन नहीं लिया है, लेवर्ड फर्म नॉट लेवर्ड फर्म, यानी जिन्होंने लोन लिया ही नहीं है, पूरा इक्विटी है, तो अगर दो अलग अलग कंपनियां हैं जिनका कैपिटल सेम है, कैपिटल सेम है, अमाउंट टोटल कैपिटल का अमाउंट सेम है, दोनों की इनकम भी सेम है, तो टेक्निकली दोनों का वैल्यू भी सेम होना चाहिए, ऐसा उनका बोलना है कि ऐसा अगर सिचुएशन है कि दो कंपनियां हैं, एक ने लोन लेके कैपिटल लिया है और एक ने लोन नहीं लिया है, पर दोनों का टोटल कैपिटल सेम है, दोनों की इनकम भी सेम है, तो दोनों की वैल्यू भी सेम ही होनी चाहिए, ऐसा उनका बोलना है। और अगर बिकॉज ऑफ इम्परफेक्शंस, मार्केट के इम्परफेक्शंस की वजह से जब भी ऐसा हो कि दोनों की वैल्यू अलग अलग है, तो आर्बिट्राज प्रोसेस उनको इक्वल बना देता है। अगर कभी ऐसा हो कि लेवर्ड फर्म की वैल्यू ज्यादा है, अनलेवर्ड की कम है, या वाइस वर्सा, दोनों में कोई भी ऐसा, उनका बोलना ही नहीं है कि कौन सी ज्यादा होगी, उनका मानना है कि दोनों इक्वली होगी, होनी चाहिए। और अगर बिकॉज ऑफ इम्परफेक्शंस रियलिटी में अगर कम ज्यादा हो जाता है, तो आर्बिट्राज प्रोसेस से वो दोनों इक्वल हो जाती है। अब उन्होंने आर्बिट्राज प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है, मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा, ठीक है, ध्यान दो, जो मॉड्यूल में आपके दिया हुआ है, ध्यान दो, कोशिश करना समझने की, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोशिश करना। देखो, उन्होंने दिया है कि फर्म एक्स है और फर्म वाई है, दो अलग अलग फर्म है, सिचुएशन क्या है पहले समझ लो कि दोनों का टोटल कैपिटल सेम है, 10 लाख 10 लाख, बस दोनों का कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है, कैपिटल सेम है, स्ट्रक्चर अलग है, एक्स ने पूरा इक्विटी से लाया है और वाई ने डेट और इक्विटी दोनों लिया है, 6 लाख का इक्विटी लिया है, 4 लाख का डेट लिया है, तो एक लेवर्ड फर्म है और एक अनलेवर्ड फर्म है, ठीक है, ये लेवर्ड है, लोन लिया इसने, और ये अनलेवर्ड है, यानी पूरा इक्विटी है, ठीक है, तो दोनों का कैपिटल सेम है और दोनों का अर्निंग भी सेम है, ईबीआईटी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दोनों का अर्निंग भी सेम है, तो एमएम अप्रोच का कहना है कि इनकी वैल्यू भी सेम ही होनी चाहिए, इनकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, सेम कैपिटल है, सिर्फ फाइनेंसिंग अलग अलग है, इनकम भी सेम है, तो दोनों की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, बट अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग होती भी है, तो देयर इज अ मैकेनिज्म जो अपने आप इन दोनों को इक्वल बना देगा, ठीक है, तो उसको कहते हैं आर्बिट्राज प्रोसेस, तो ऐसा है। तो अब इन्होंने देखो दिया है, पहले समझो, अकाउंट समझ लो, पहले अकाउंट समझ लो कि यहां जो ऑपरेटिंग इनकम है, यहां पे लोन तो है नहीं, तो ईबीआईटी इंटरेस्ट तो है ही नहीं, तो जो भी बचेगा पूरा इक्विटी को मिलेगा, ठीक है, तो पूरा का पूरा 1 लाख इक्विटी अर्निंग में आ जाएगा, ठीक है, ये समझो, बिकॉज देर इज नो डेट, ईबीआईटी पूरा इक्विटी वालों को मिल जाएगा। और फिर उन्होंने दिया है कैपिटलाइजेशन रेट, ठीक है, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, तो उससे आपकी वैल्यू डिसाइड होगी कि अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हो और आपका रिस्क परसेप्शन, रिस्क के हिसाब से आपका जो कैपिटलाइजेशन रेट है वो 10% आता है, रिस्क के हिसाब से होता है, रिस्क के हिसाब से होता है, ठीक है, यहां रिस्क कम है, डेट है ही नहीं, डेट है ही नहीं ना, तो रिस्क कम है तो रेट कम आएगा 10%, और यहां रिस्क ज्यादा है तो यहां इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ज्यादा आएगा, ठीक है, तो ये डेट की वजह से हो रहा है, तो 10% अगर आपका कैपिटलाइजेशन रेट है तो अर्निंग डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट, यानी रिवर्स वर्किंग है, तो 10 लाख रुपए आपकी वैल्यू आएगी, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10% डेट विल कम्स टू 10 लाख रुपीज, तो आपका पूरे फर्म का वैल्यू जो कि पूरे इक्विटी में ही है तो वो 10 लाख आएगा, ठीक है, तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म विल बी 10 लाख। और फिर डेट के केस में क्या होगा कि 1 लाख जो आपका ईबीआईटी है, पहले तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट कितना आएगा सर, 4 लाख पे इन्होंने आई थिंक 5% कुछ तो लिया है, ठीक है, 20,000 देखो लिया है, 5% लिख लो, इंस्टीट्यूट है भाई, देती नहीं कुछ, ठीक है, 5%, तो 4 लाख का 5% 20,000 रुपये आएगा और 80,000 रुपये इक्विटी के लिए बचेंगे, ठीक है, नो टैक्सेस, टैक्सेस यहां पे नहीं है, तो ऐसा है। तो डेट का वैल्यू तो सेम ही रहता है 4 लाख, इक्विटी का अर्निंग कितना आया 80,000, कहां से आया, 1 लाख माइनस 20,000 तो आएगा 80,000, ठीक है, और 80,000 को डिवाइड करेंगे कैपिटलाइजेशन रेट से, कैपिटलाइजेशन रेट थोड़ा ज्यादा आएगा क्योंकि आपने डेट ले रखी है, तो इक्विटी का रेट थोड़ा ज्यादा आएगा, तो उसको डिवाइड करके आपकी वैल्यू आएगी 6 लाख
66,667. 80,000 डिवाइडेड बाय 12% दैट विल कम्स टू 6,66,667. ठीक है, तो पूरे फर्म की वैल्यू कितनी आएगी, 4,00,000 डेट का वैल्यू है और इक्विटी का वैल्यू आएगा 6,66,000, तो टोटल आएगा 10,66,667. तो दोनों की वैल्यू देखो अलग अलग आ रही है, लेवर्ड फर्म की वैल्यू ज्यादा आ रही है, लेवर्ड फर्म की वैल्यू ज्यादा आ रही है, अनलेवर्ड फर्म की वैल्यू कम आ रही है. तो ऐसे केस में आर्बिट्राज प्रोसेस क्या करेगा, तो ये आपको समझना है कि जिनकी वैल्यू ज्यादा है उनको ये दिमाग चलाने का ये रहेगा, प्रॉफिट कमाने की इच्छा होगी कि भाई मेरे फर्म की वैल्यू ज्यादा है, मेरे इक्विटी की वैल्यू ज्यादा है, तो मैं अब इसमें नॉर्मल रूल आपको याद रखना है कि खरीदते वक्त आपका क्या रूल होता है, कम में खरीदना चाहिए ज्यादा में बेचना चाहिए, तो ज्यादा वाला बेचेगा, आपको ये समझना है, जिनकी वैल्यू ज्यादा है वो बेचेगा. तो जो इक्विटी इन्वेस्टर है फर्म वाई का, वो अपना इक्विटी बेचेगा क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है. ठीक है, अब ध्यान दो, जब मैं वाई से एक्स में जाऊंगा टेक्निकली मेरा कोई नुकसान ही नहीं है, दोनों का कैपिटल सेम है, दोनों की अर्निंग भी सेम है. ये आपको समझना है कि इधर से उधर, उधर से इधर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि भैया दोनों सेम कंपनीज हैं, मतलब अर्निंग दोनों की सेम है, ईबीआईटी दोनों का सेम है, इसलिए आप स्विच कर सकते हो. क्लियर है? तो यहां पे आप ध्यान दो आर्बिट्राज प्रोसेस कैसे वर्क करेगा. तो अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो 1% ओन करता है, एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि अगर मैं 1% इक्विटी वाला हूं वाई में, वाई में 1% इक्विटी है मेरे पास. ठीक है, इक्विटी की वैल्यू वाई की कितनी है, 66667, 6,66,667. ठीक है, इसका 1% मेरे पास है. अब मैं इसको बेचूंगा, हायर वैल्यू वाला है ना, हायर वैल्यू वाला बेचेगा, हायर वैल्यू पे बेचते हैं, आपको ये रूल समझना है. तो मुझे 6,66,000 का 1% मिलेगा, तो मेरे पास पैसे आएंगे 66667, 1%. ठीक है, और अब मुझे एक्स का 1% खरीदना है, एक्स की इक्विटी की वैल्यू कितनी है पूरी, 10,00,000 इक्विटी है, 10,00,000 का 1% लेने के लिए 10,000 रुपए लगेंगे, मेरे पास तो सिर्फ 6,667 है, 10,000 तो है ही नहीं, तो मुझे बोरो करना पड़ेगा लेवरेज लेके, मतलब पर्सनल लेवल पे इन्वेस्टर जो है, जो इक्विटी शोल्डर है वो लोन लेगा. तो इन्होंने राउंड अमाउंट लिया है 4,000, एग्जैक्टली आप 333 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि जो डेफिसिट है एक्स में, आपको 1% लेने के लिए 10,000 रुपए कम से कम चाहिए, 10,000 आपको मिले नहीं, पर आपको 1% आपका स्टेक तो मेंटेन करना पड़ेगा, तभी तो अर्निंग सेम आएगी ना. ठीक है, तो 4,000 आप बोरो कर लो और उसका रेट कम ही रहेगा, केडी कम ही होता है, तो 5% एग्जाम्पल उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है. ठीक है, पर्सनल लेवल पे आप 4,000 बोरो करो, 6,666 प्लस 4,000 10,000 के ऊपर आ गया, आप 1% या जो भी राउंड ऑफ है वो उतना स्टेक ले लो, तो आपका स्टेक दोनों में मेंटेन रहेगा. ठीक है, अब कैसे आपका फायदा हुआ वो आपको समझना है कि अब आप 1.0667 इतना ले पाओगे. ठीक है, यहाँ 4,000 ऐड हो जाएगा तो आपके पास 10,667 अमाउंट आएगा, तो 10,667 डिवाइडेड बाय 10,00,000, तो आपका कितना स्टेक आएगा, 1.0667. ठीक है, ये उसका वर्किंग है कि ये कहां से आया, ये ऐसे आया. ठीक है, आपने 1.0667% स्टेक ले लिया एक्स में, जो आपके पास अमाउंट था. ठीक है, ये 10,667 से. अब कैसे होगा ध्यान दो, अब आपको कितना इनकम मिलेगा ध्यान दो, 1,00,000 ये कमा रही है, 10% कमा रही है ना, 1,00,000 10%, तो आपको 10% मिलेगा, तो आपको 10,667 पे 10% यानी कि 1,066 रुपीज मिलेंगे. समझो बात को, ठीक है, आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 10%, 1,00,000 रुपए कमा रहे हैं 10,00,000 पे, तो मेरा जो स्टेक है उस पे मुझे मिलेगा. ठीक है, तो 1,00,000 इंटू 1.0667 भी कर सकते हो, वैल्यू से भी निकाल सकते हो, अर्निंग से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब मैथ्स है, सब मैथ्स है, मोह माया है, सब मैथ्स है, कोई दिक्कत नहीं है. तो अगर मैं अर्निंग से निकालूं तो 1,00,000 जो फर्म कमा रही है उसका इक्विटी होल्डर मैं हूं 1.0667%, तो मुझे 1,00,067 अमाउंट मिलेगा, तो इतना मुझे मिलेगा, पूरा पे आउट हो रहा है ऐसा आपको मानना है. ठीक है, पूरा जो कमा रहे हैं इक्विटी वालों को दे रहे हैं. फिर अब आपने जो बोरो किया था 4,000 पे, 5% आप इंटरेस्ट पे करोगे, माइनस होगा, तो 200 रुपए आप पे कर दोगे, तो नेट नेट आपके जेब में कितना बचेगा, 866.7 आपको बचेगा.
अब जब आप वाई में शेयर होल्डर थे, जब आप वाई में इक्विटी शेयर होल्डर थे, तब आपको कितना मिलता था? अब ये देखना पड़ेगा, उससे कंपेयर करना पड़ेगा। तो आप इक्विटी वालों के लिए कितना बचता था? 80,000। इक्विटी वालों के एंगल से सोचना है, ठीक है? इक्विटी को अर्निंग बचती थी 80,000, और उसमें आपका स्टेक कितना था? 1%। तो कितना आएगा? 800 रुपये। 80,000 अर्निंग थी इक्विटी की, आप 1% स्टेक होल्डर थे, तो भैया आपको 800 रुपये मिलते थे। पर अब कितना मिल रहा है? 866। तो आपका 66.7 रुपीज का अर्निंग बढ़ गया। तो आप तो स्विच करोगे ना, तो लोग स्विच करते जाएंगे। अब ये स्विच से होगा क्या, ये पहले आपको समझना है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं वाई को सेल कर रहा हूं, वाई का शेयर सेल कर रहा हूं। अब कोई भी चीज को जब आप सेल करते जाओगे तो क्या होगा? उसका प्राइस कम होगा, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो इनका कहना है कि ये जो आर्बिट्राज है, इससे क्या होगा? एक सेकेंड ना, ठीक है? ये आर्बिट्राज से क्या होगा कि आप वाई को सेल कर रहे हो, सेल सब लोग सेल करते जाएंगे आर्बिट्राज वाले, तो क्या होगा? उसका वैल्यू कम होते जाएगा। तो ये जो 10,66,67 है, ये धीरे धीरे कम होते जाएगा। और आप बेच के क्या बाय कर रहे हो? एक्स बाय कर रहे हो, तो एक्स की वैल्यू बढ़ते जाएगी। तो दोनों एक नीचे आते जाएगा और एक ऊपर आते जाएगा, और दोनों एक जगह आके बहुत ही कम डिफरेंस बचेगा उनमें। और फिर आर्बिट्राज करके कोई फायदा आपको होगा नहीं, और फिर आर्बिट्राज बंद हो जाएगा, मतलब दोनों की वैल्यू लगभग सेम हो जाएगी। तो ये पूरा उन्होंने लॉजिक दिया है आर्बिट्राज का, कि अगर वैल्यू अलग अलग भी होंगी तो लोग दिमाग लगाएंगे हायर वैल्यू वाली जो है, या बोथ वेज आर्बिट्राज से आप इधर का उधर जाके नेट नेट आपको कुछ ना कुछ फायदा बचेगा। और ये तब तक चलते रहेगा जब तक दोनों में डिफरेंस बहुत ही नेग्लिजिबल ना हो जाए कि आप आर्बिट्राज प्रोसेस कर ही ना पाओ, यानी प्रॉफिटेबल ही ना हो, ठीक है? तो ये आर्बिट्राज प्रोसेस से दोनों के वैल्यू ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं, ऐसा इनका कहना है, ठीक है? तो ये पूरा एग्जाम्पल है आपके मॉड्यूल का ही है, पेज नंबर नोट कर लो, आराम से देख लेना, 109 मॉड्यूल में है, 109, ठीक है? एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, एमएम थ्योरी के नीचे दिया हुआ है, ठीक है? आप अच्छे से बाद में देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये आपके सारे के सारे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चारों के चारों मैंने बता दिए, डायग्राम्स बता दिए, फॉर्मुलेस बता दिए, अजम्पशंस पूरे अच्छे से बता दिए। वो थ्योरी क्या बोलती है, क्या उनका नेट कंक्लूजन है, वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? चलिए, तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं, लेवरेज, ठीक है? आ जाओ लेवरेज पे आते हैं। लेवरेज, ये सब हम पढ़ चुके हैं, सारे पंचवर्ड्स मैंने कवर कर लिए, ठीक है? ईयर वगैरह आप याद कर सकते हो, ठीक है? कि ये 1958 में था, जहां जहां ईयर है आप कर लो कि ये थ्योरी कब पब्लिश हुई थी, 1958 में। अब और भी चीजें हैं इसमें, मैं ज्यादा जान नहीं रहा, जितना काम का है उतना बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये सब मैंने आपको बता दिया, प्रपोजिशंस सारे के सारे बता दिए मैंने, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, इसी को ट्रेड ऑफ थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है? अदर नेम आप लिख लो, अदर थ्योरी, अदर नाम आप लिख लो, ट्रेड ऑफ थ्योरी 1958 और ट्रेड ऑफ थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है? लिख लो, ये भी आप फिर लिख लो, बनाना हो तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट मैं स्क्रीन दे देता हूं, बना लो, पॉज करके बना लो, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है करो, ठीक है? एनआई का कंक्लूजन और अजम्पशन, फिर एनआई का डायग्राम और उसका टेक अवे, ठीक है? फिर एनओआई का अजम्पशन और ये, ठीक है? ये उसका डायग्राम, फिर ट्रेडिशनल अप्रोच,
का डायग्राम। और एमएम अप्रोच, ठीक है, पूरा अच्छे से बना लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना लेना अच्छे से, इस तरह से वो दिखेगा, ठीक है। इस तरह से वो दिखेगा, ठीक है, इस तरह से वो दिखना चाहिए, प्रॉपर टेबुलर दो पेज में अच्छे से बना लेना, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, अब है पैकिंग ऑर्डर थ्योरी, ठीक है, सिंपल छोटी सी थ्योरी है, नया कंसेप्ट ऐड हुआ है, आई थिंक दो अटेम्प्ट पहले ऐड हुआ था, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी आपको ओनर के एंगल से समझनी है, जो मैंने आपको एक कंट्रोल का एस्पेक्ट बताया था कि कंट्रोल डाइल्यूट ना हो, तो इसलिए आप क्या करोगे कि पहला प्रायोरिटी किसको दोगे, रिटेन अर्निंग्स, कि जितना आपकी खुद की कमाई है, जितना खुद का पैसा है, जितनी चादर है उतनी पैर फैलाओ, तो आप पहले अपनी कमाई को ही यूज करो, ठीक है, कमाई से ही आप ग्रो करो। फिर अगर कमाई कम पड़ रही है तो आप डेट लो, मतलब ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, पहला सीक्वेंस आता है रिटेन अर्निंग्स, सेकेंड सीक्वेंस आता है डेट, और बिल्कुल पैसे मिल ही नहीं रहे, रिटेन अर्निंग भी नहीं है, डेट भी आगे और नहीं ले पा रहे, बहुत ज़्यादा डेट ऑलरेडी आपने ले ली है, तो फिर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, फिर आप लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, इक्विटी। तो ऐसा सीक्वेंस है पैकिंग ऑर्डर, ये ऑर्डर है, रिटेन अर्निंग्स, डेट, फिर लास्ट में इक्विटी, आए ख्याल में। अब इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है, मार्केट क्या समझेगा, ध्यान दो, तो ये आपको इसलिए लिखना है, ये आप लिख लो कि ऑर्डर आप पहले समझ लो कि पहला इंटरनल फंडिंग थ्रू रिटेन अर्निंग्स, पहला सीक्वेंस, सेकंड थ्रू डेट, कि अगर रिटेन अर्निंग्स खत्म हो गई तो आप डेट ले लो, और अगर डेट भी आपको नहीं मिल पा रही है तो फिर आप लास्ट ऑप्शन क्या रखो, इक्विटी। ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना चाहिए एज पर पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। अब इससे क्या पब्लिक इंटरप्रेट करेगी, वो आपको दिया हुआ है कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, क्या सिग्नल देता है ये मार्केट को कि जब आप अपनी इंटरनल अर्निंग से ही एक्सपांड कर रहे हो, मतलब आप स्ट्रांग हो, आप बाहर वाले पे ग्रोथ के लिए डिपेंडेंट हो ही नहीं, आप अपनी अर्निंग से ही ग्रो हो जाते हो, सारे प्रोजेक्ट्स इंटरनली रिटेन अर्निंग से ही आप फाइनेंस कर रहे हो, तो ये एक स्ट्रांग मैसेज, इंडिपेंडेंट आप हो, ऐसा उसका मैसेज जाता है, ठीक है, ध्यान दो। तो अगर आप इंटरनली फाइनेंस कर रहे हो, मतलब आप बहुत ही स्ट्रांग कंपनी हो, आप डेट के लिए डिपेंडेंट नहीं हो, फिर अगर आप डेट ले रहे हो तो मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस दिखता है कि आप डेट का पैसा वसूल कर लोगे, ऑब्लिगेशंस आप मीट कर लोगे, प्रोजेक्ट आपका अच्छा है, आप कर लोगे, आप यानी मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस बताता है कि डेट को फेवरेबली आप यूज कर सकते हो, ऐसा आपको लगता है, एक्चुअल क्या होगा वो तो किसी को नहीं पता, पर आप डेट ले रहे हो मतलब आप कॉन्फिडेंट हो कि आप डेट का रेट, डेट का अर्निंग उससे ज्यादा ही आप कमा लोगे। और फिर अगर आप इक्विटी से फंडिंग ले रहे हो, मतलब ये नेगेटिव सिग्नल देता है कि मतलब आपको डेट कोई दे ही नहीं रहा, डेट कोई दे ही नहीं रहा, इंटरनल अर्निंग भी आपके पास है ही नहीं, तो ये एक वीक सिग्नल देता है, ठीक है, एज द कंपनी थिंक्स द स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, आपको लगता है आपका स्टॉक ओवर वैल्यूड है, मार्केट में अच्छा रेट आपको मिल रहा है जबकि उतनी वैल्यू आपकी है नहीं, बाद में हो सकता है न मिले, तो आप वही बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हो, आपको लगता है वैल्यूएशन अभी अच्छा चल रहा है इक्विटी का, तो आप इक्विटी रेस कर लो, तो ये भी एक वीक सिग्नल देता है, ठीक है, तो वो है, एज द कंपनी थिंक्स दैट द स्टॉक इज ओवर वैल्यूड एंड इट सीम्स सीक्स टू मेक मनी प्रायर टू द शेयर प्राइस फॉलिंग, ठीक है, इससे पहले कि हमारा शेयर प्राइस फॉल हो जाए, इससे पहले हम अपनी रियल वैल्यू पे आ जाए, हायर वैल्यूएशन का फायदा ले लो, इक्विटी रेस कर लो, ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा है पर ये एक वीक सिग्नल पब्लिक को देता है, ठीक है, तो ये पूरा पैकिंग ऑर्डर थ्योरी का कंसेप्ट है, लिख लो, लिख लो। लिख लो पॉज करके,
चलिए बढ़े आगे आ जाओ। तो ये हो गया आपका पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। अब आते हैं ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। ध्यान दो, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, इसमें हम क्या करते हैं, हम अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते हैं कि अलग अलग डेट इक्विटी मिक्स में हमारा क्या ईपीएस है, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हम कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करेंगे जिसमें ईपीएस सबसे ज्यादा हो। शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है ना, अर्निंग जिसमें सबसे ज्यादा आएगी उसी में आपका वेल्थ मैक्सिमाइज होगा, तो हाईएस्ट ईपीएस आपको चूज करना है। तो आप अलग अलग स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। ध्यान दो, वन ऑफ द वाइडली मीन्स यूज मीन्स ऑफ एग्जामिनिंग द इफेक्ट ऑफ लेवरेज इज टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी एंड ईपीएस। ईबीआईटी और ईपीएस का रिलेशनशिप आप देखो। अब ईबीआईटी तो सेम ही रहता है, उसके वजह से ईपीएस निकलता है। ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर, इंटरेस्ट आता है, प्रेफरेंस शेयर्स का वो डिविडेंड आएगा, ये सब आता है। तो आपको ये समझना है कि ईबीआईटी तो इंडिपेंडेंट है, ईबीआईटी तो प्रोजेक्ट से जितना आप कमाओगे उतना ही आएगा, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। पर ईबीआईटी से ईपीएस तक जब आप जाते हो तब कैपिटल स्ट्रक्चर के सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो ईबीआईटी से ईपीएस तक कैसे आप जा रहे हो, कैपिटल स्ट्रक्चर कितना अफेक्ट कर रहा है, ये आपको उससे समझ में आएगा। यूज ऑफ ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस इंडिकेट्स टू द मैनेजमेंट द प्रोजेक्टेड ईपीएस फॉर डिफरेंट फाइनेंशियल प्लान। अलग अलग फाइनेंशियल प्लान अगर आप लेते हो तो आपका क्या ईपीएस होगा, ये भी आप एस्टिमेट कर सकते हो, प्रोजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर प्लान्स को आप कंपेयर कर सकते हो, देख सकते हो कि किसमें कितना ईपीएस आ रहा है और कौन सा बेस्ट स्ट्रक्चर है जिससे आप अपना वैल्यू मैक्सिमाइज कर सकते हो, अर्निंग पर शेयर मैक्सिमाइज कर सकते हो, ठीक है। जनरली द मैनेजमेंट वॉन्ट्स टू मैक्सिमाइज द ईपीएस, ठीक है। नॉर्मली गोल क्या है, मैक्सिमाइज द ईपीएस। ईपीएस इफ डूइंग सो ऑल्सो सेटिस्फाइज द प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो ईपीएस मैक्सिमाइज होगा, इनडायरेक्टली वेल्थ भी मैक्सिमाइज होगा बाय वैल्यू ऑफ बिजनेस, दैट इज वैल्यू ऑफ फर्म्स इक्विटी। इफ द फर्म अटेम्प्ट्स टू यूज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डेट, शेयरहोल्डर्स मे सेल देयर शेयर्स, मतलब उसका नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा डेट लेते जा रहे हो तो शेयरहोल्डर्स को रिस्क बहुत ज्यादा लगता है और वो सेल भी कर सकते हैं, मतलब डेट की वजह से आपका मार्केट प्राइस कम भी हो सकता है। और ये एक्चुअली रियल लाइफ में होता है, अगर आप न्यूज फॉलो करते हो, स्टॉक मार्केट फॉलो करते हो, तो आपको दिखता है कि जब भी आप डेट लोगे तो आप स्टॉक मार्केट अपना स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करोगे, फिर वो न्यूज में आता है, हर जगह आता है। तो जब आपकी डेट बहुत ज्यादा होते जाती है और आप डेट लेते जाते हो तो इन्वेस्टर्स को रिस्क बहुत ज्यादा लगता है और इसलिए वो काफी बार हाई रिस्क की वजह से भी शेयर्स को बेच के कोई और स्टॉक में पैसे लगाने की सोचते हैं, ठीक है। तो बहुत ही रियलिस्टिक बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, कि अगर आपका रिस्क बहुत ज्यादा है, डेट बहुत ज्यादा है, तो सर जिनको रिस्क बहुत ज्यादा पसंद नहीं है वो शेयर होल्डर्स आपके शेयर सेल करते जाएंगे और सेलिंग के जैसे प्राइस कम हो सकता है, एंड दस द प्राइस विल फॉल। वाइल द यूज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेट मे रिजल्ट इन हाई ईपीएस, ठीक है, ईपीएस बढ़ सकता है। सिर्फ ईपीएस से भी कुछ नहीं होता भाई, आपका ओवरऑल डेट कितना है, ओवरऑल बर्डन कितना है, वो भी देखना है। क्योंकि आज आप फेवरेबल सिचुएशन में हो, आपका आरओआई ज्यादा है डेट के रेट से, तो आपका ईपीएस ज्यादा ही होगा। ये मैंने बताया भी था आपको कि आपकी गियरिंग कितनी है, गियरिंग पॉजिटिव चल रही है तो आपका ईपीएस बढ़ेगा ही बढ़ेगा ऑब्वियसली। पर कब तक ऐसा होगा, द मोमेंट आपकी अर्निंग कम हुई और गलती से भी वो डेट के रेट से कम हो गई तो नुकसान भी उतना ही ज्यादा होगा। आ रहा है समझ में? तो ये डबल एज स्वॉर्ड है। तो ऐसा है, तो अभी आप फेवरेबल सिचुएशन में हो तो आपको लगेगा ईपीएस तो बढ़ रहा है, फिर लोग क्यों बेच रहे हैं? अरे भाई रिस्क तो है ना, कल जाके हल्का सा भी सेल कम हुआ या आपके इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट बढ़ गई तो फिर क्या होगा, सोच के देखो। जितनी जल्दी ऊपर जा रहे हो उतनी जल्दी नीचे भी आ सकते हो, ठीक है। द ऑप्टिमम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म शुड बी द वन विच मैक्सिमाइजेस द प्राइस ऑफ इक्विटी। तो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन वाला ही आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ईपीएस, यस, वन ऑफ द मेन फैक्टर है, ईपीएस से प्राइस पे फर्क पड़ता है डेफिनेटली। बट ऐसी भी सिचुएशन देखी जाती है कि ईपीएस बढ़ रहा है बट बिकॉज ऑफ एडिशनल डेट, बिकॉज ऑफ हाई डेट, मार्केट प्राइस कम भी होती है। ऐसे एक्सेप्शनल सिचुएशन भी रियल लाइफ में मिलते हैं, ठीक है। तो ये है ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस।
आगे बढ़ते हैं। अब है एबिडेटा एनालिसिस, ठीक है। एबिडेटा ये भी हल्का सा ऑफ बीट टॉपिक है। एबिडेटा बेसिकली स्टैंड फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये तो आपने पढ़ाई है, ईबीआईटी तो आपने सुना ही है ना, सिर्फ आगे क्या लग गया, डीए। डी स्टैंड फॉर डेप्रिसिएशन एंड ए स्टैंड फॉर एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन क्या है सर, इंटेंजिबल एसेट्स को जब आप राइट ऑफ करते हो दैट इज कॉल्ड एज एमोर्टाइजेशन। जैसे आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करते हो, आप कोई भी इंटेंजिबल एसेट को नॉर्मली जैसे गुडविल हो गया या और कोई भी इंटेंजिबल एसेट को आप राइट ऑफ करते हो तो उसको कहते हैं एमोर्टाइजेशन, ठीक है। बेसिकली ये दोनों नॉन कैश होते हैं। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नॉन कैश, एमोर्टाइजेशन आर ऑल्सो नॉन कैश। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, कैश फ्लो की तरफ जा रहे हो, नॉर्मल प्रॉफिट से आप कैश फ्लो की तरफ जा रहे हो। आई होप आप कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरा वीडियो देख चुके हो अकाउंट्स में, आई होप सो, ठीक है। तो आपको समझेगा कि मैं क्या बातचीत कर रहा हूँ। तो प्रॉफिट में आप चेंजेस करते जा रहे हो और प्रॉफिट को थोड़ा थोड़ा कैश फ्लो की तरफ लेके जा रहे हो, नॉन कैश एलिमेंट्स को हटाते जा रहे हो, एडबैक करते जा रहे हो, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स जो होते हैं जो डे टू डे आपकी एक्टिविटी नहीं है उनको भी आप रिवर्स करते जाते हो। तो वो सब करने के बाद आता है एबिडेटा। अब एबिडेटा और कैश फ्लो में भी हल्का फर्क है, हल्का फर्क अभी भी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आपने पढ़ा होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो आपको पता होगा कि उसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी लेते हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी लेते हैं। तो दोनों में फर्क मेनली अभी वर्किंग कैपिटल चेंजेस का ही रहता है। कैश फ्लो निकालते वक्त हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी लेते हैं, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी के चेंज को भी एडजस्ट करते हैं, लेकिन एबिडेटा में वर्किंग कैपिटल चेंजेस को इफेक्ट नहीं देते हैं। और यही उसका ड्रॉबैक है कि ये पूरी तरह से कैश फ्लो नहीं है, ये न तो प्रॉफिट है न तो कैश फ्लो है, बीच में है, बीच में है, ठीक है। तो प्रॉफिट से तो अच्छा ही है लेकिन कैश फ्लो जितना अच्छा नहीं है आए ख्याल में। तो ये प्लस माइनस है इसके। तो क्या है सर, पढ़ लेते हैं। अर्निंग अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन इज एन ऑफन यूज्ड मेजर फॉर द वैल्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है। वैल्यू निकालने के लिए काम आता है, जैसे ईवीए आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, वैसे ही एबिडिटा भी उसी तरह से यूज किया जाता है। एबिडिटा इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग नेट इनकम एंड एडिंग बैक, क्या क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, जो जो माइनस हुआ है सब एड बैक कर लो, ठीक है। एबिडिटा इज यूज टू एनालाइज अ कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी आप एडबैक कर लेते हो, कोई भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम नहीं आना चाहिए। ऑपरेटिंग का मतलब क्या है, जो आपका डे टू डे बिजनेस है, डे टू डे बिजनेस है जो भी रिलेटेड है वो ऑपरेटिंग आइटम होता है। जो वन टाइम साइड एक्टिविटी आप करते हो वो होता है नॉन ऑपरेटिंग आइटम, तो वो सब आप रिवर्स कर लो। नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो ऐड की होगी, माइनस कर लो, रिवर्स कर दो। कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो माइनस किया होगा, ऐड बैक कर लो, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स सारे के सारे ऐड बैक कर लो या मतलब रिवर्स कर लो। तो दिया है देखो, बिफोर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन कैश चार्जेस, ठीक है। कैश नॉन कैश चार्जेस भी आप रिवर्स कर लो। तो क्या क्या एडजस्टमेंट्स आप करते हो, एक है नॉन ऑपरेटिंग और एक है नॉन कैश। कैश फ्लो में भी यही करते हैं, बस वहां पे एक और चीज एडजस्ट कर देते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वो यहां पे नहीं करते हैं, बस इतना ही फर्क है। तो दिया है भाई क्या एनालिसिस है, एबिडिटा एनालिसिस इनेबल्स एनालिस्ट टू एक्सक्लूड द इंपैक्ट्स ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड फोकस ऑन द आउटकम ऑफ ऑपरेटिंग डिसीजन। यही आप गुडविल में भी पढ़ते हो कि जब भी आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो, जब भी आप बिजनेस के फ्यूचर को इवेल्युएट करते हो तो आपको सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम ही देखनी चाहिए। नॉन ऑपरेटिंग इनकम यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो फ्यूचर में रिपीट होगी, क्योंकि वो वन टाइम होती है, वो आपका रोज का काम नहीं होता है। आज कुछ आपने कमा लिया तो आप हर साल कमाओगे जरूरी नहीं है, इस साल आपकी लॉटरी लग गई तो हर साल लगेगी जरूरी नहीं है। इसीलिए नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को इग्नोर किया जाता है और जो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, डे टू डे एक्टिविटीज है, उन्हीं को फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी के लिए लिया जाता है, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इंक्लूड्स, दिया ही है इंटरेस्ट, पता होगा आपको आई होप सो, इंटरेस्ट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। टैक्स रेट्स, लार्ज नॉन कैश आइटम्स सच एज डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, तो ये सब हम एडजस्ट करते हैं। बाय रिमूविंग द नॉन ऑपरेटिंग इफेक्ट्स एबिडेटा गिव्स इन्वेस्टर द एबिलिटी टू फोकस ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ देयर ऑपरेशन, ठीक है। आप प्रॉफिट पे ध्यान दो, जो भी नॉन ऑपरेटिंग चीजें हैं उसको आप हटा दो, जो भी नॉन कैश चीजें हैं वो आप हटा दो।
This type of analysis is particularly important when comparing similar companies across a single industry. Same industry के firms को अगर आप compare कर रहे हो तो normal profit से EBITDA better माना जाता है. Normal profit से EBITDA better माना जाता है. ठीक है. अब नुकसान यही है, limitations क्या है भाई, कि ये अभी भी proper cash flow नहीं है, इसमें अभी भी आपने working capital changes नहीं किया है. तो ये अच्छा है पर cash flow जितना अभी भी अच्छा नहीं है, अभी भी उसमें हल्के पुल्के problems हैं. ठीक है, तो कुछ खास है नहीं. तो वही दिया, देखो कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमेशा बेटर माना जाता है, इज अ बेटर मेजर ऑफ हाउ मच कैश अ कंपनी इज जनरेटिंग बिकॉज इट एड्स द नॉन कैश चार्जेस बैक टू नेट इनकम एंड इंक्लूड्स द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, जो कि इसमें नहीं लिया जाते हैं, उस पर इसी को ड्रॉबैक माना जाता है. तो कैश फ्लो सबसे बेस्ट है. ठीक है, यानी सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले कैश फ्लो, फिर एबिडिटा, और फिर नॉर्मल आपका ईबीआईटी या ईबीटी या जो भी आप नॉर्मल दूसरा प्रॉफिट आप लेते हो. तो ऐसा सीक्वेंस होता है. फिर फायदे दिए हैं कि स्टिल बेटर है, नॉर्मल प्रॉफिट से तो बेटर ही है क्योंकि आपने नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हटा दिए हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट से तो बेटर ही होते हैं. तो वो दिया है कि इसको आप शॉर्टकट की तरह ले सकते हो, प्रॉफिट को स्किप करके एबिटा से आप इवेल्युएट कर सकते हो. फिर ये रीजनेबली एक्यूरेट है, प्रॉफिट से ज्यादा एक्यूरेट एबिटा को माना जाता है, और सिमिलर कंपनीज को कंपेयर करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो. ठीक है, और फिर दिया है कि अच्छा है लेकिन अभी भी इसमें इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं, इसमें अभी भी अगर आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस को एडजस्ट कर लें तो ये कैश फ्लो के बराबर हो जाएगा, और सबसे बेस्ट चीज होती है कैश फ्लो. तो वही लास्ट में दिया हुआ है, अल्टीमेटली एबिटा शुड नॉट रिप्लेस द मेजर ऑफ कैश फ्लो. कैश फ्लो को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी भी कैश फ्लो जितने फीचर्स इसमें नहीं है, विच इंक्लूड सिग्निफिकेंट फैक्टर्स ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, कैश इज द किंग. ठीक है, तो कैश को कभी ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा, कैश हमेशा इससे बेटर माना जाता है. ठीक है, तो ये है एबिटा एनालिसिस, कुछ खास नहीं है एक्चुअली इसमें. अभी तक क्वेश्चन भी सिर्फ ये एक्रोनिम के फुल फॉर्म पे ही अभी तक क्वेश्चन आया है, और कोई इस पे क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है वैसे भी. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सर. फिर आप एक ब्रेक ले लो. ठीक है, एक घंटा और हो गया है, आप ब्रेक ले लो. ठीक है, ब्रेक लेते रहो तो बैठ पाओगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, अब लास्ट पार्ट वीडियो का आ गया है, लेवरेज. ठीक है, लेवरेज के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने करवाए हुए हैं, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक, पूरा जो प्रैक्टिकल एमसीक्यूज मैंने पढ़ाए हुए हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. ठीक है, मैं आपको कौन सा पार्ट है वो भी बता देता हूं. ठीक है, नोट कर लो. सीरीज में एक्चुअली मैंने नाम नहीं लिखा है, पार्ट के सिर्फ नंबरिंग्स है, तो आपको दिक्कत हो सकती है. तो आप एक लिख लो, पार्ट 3 एक्चुअली है लेवरेज पे. लेवरेज के मैंने प्रैक्टिकल एमसीक्यूज करवाए हुए हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज, सारे लेवरेज के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं. और पार्ट 4 में मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर के भी क्वेश्चंस कराए हुए हैं, आए ख्याल में. तो इस चैप्टर से रिलेटेड दो पार्ट्स आपको देखने, इसी वीडियो के बाद आप देख लोगे ना पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सब पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो हर चैप्टर में मैं आपको ऐसे बताते जाऊंगा कि कौन से पार्ट्स आपको प्रैक्टिकल एमसीक्यू देखने, तुरंत थ्योरी सीरीज के बाद आप उसको तुरंत देखते जाओ अगर आपने नहीं देखा होगा तो. ठीक है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड दो पार्ट्स हैं मेरे एमसीक्यू सीरीज में. एमसीक्यू सीरीज की लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दी हुई है. ठीक है, तो पार्ट 3 और 4 आपको देखना है तो आपका पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर का पूरा चैप्टर, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सब कवर हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है, नोट कर लो भाई, फिर पूछना नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख लो. ठीक है, ब्रेक ले लो, एक ब्रेक ले लो और फिर हम लेवरेज पढ़ेंगे. ठीक है, मैं तो कंटिन्यू करूंगा, आप ब्रेक ले लो 10-15 मिनट का, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाओ लेवरेज. खैर मैंने लेवरेज ऑलरेडी उसमें पढ़ाया हुआ है, विद फॉर्मुलेज, विद सब पढ़ाया हुआ है, स्टिल जितना मैंने अब थ्योरी दी है उतनी पढ़ानी तो पड़ेगी ना. ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं लेवरेज. लेवरेज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं. लेवरेज का मतलब होता है कोई चीज को स्पीड अप करना, जैसे आपको अगर अपनी कमाई को स्पीड अप करना है
तो जो आप बाहर का पैसा लेते हो, लेवरेज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेवरेज का क्या मतलब होता है, बोरिंग्स, कि जब आप बाहर का पैसा लेके इक्विटी शेयरहोल्डर्स को ज्यादा कमा के देना चाहते हो, उसको कहते हैं लेवरेज। इसी को कहते हैं गियरिंग, फाइनेंशियल गियरिंग, जो हमने चैप्टर वन में पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें कैसे वर्क होता है मैंने आपको बता दिया था कि भाई अगर मैंने बोरो किया 100 करोड़, 100 करोड़ रुपए मैंने बोरो किया, बोरो किया मैंने सिर्फ 10% पर एनम पे, 100 करोड़ पे मेरे को कितना देना है, 10 करोड़, 10 करोड़ देना है बस। अब जितना भी मैं कमाऊं 100 करोड़ पे, जितना भी मैं कमाऊं मुझे सिर्फ 10 करोड़ देना है उस पे एक साल में। अब मैं ज्यादा कमा पाया तो ये मेरा फायदा है, कम कमा पाया तो ये मेरा नुकसान है। इसी को रिस्क कहते हैं, यही रिस्क है कि आपको फिक्स 10 करोड़ देना ही है। अब अगर 10 करोड़ के आप ऊपर कमा पाए तो इसको पॉजिटिव साइड ऑफ लेवरेज माना जाता है, और अगर आप 10 करोड़ नहीं कमा पाए इसी को नेगेटिव साइड या रिस्क एंगल ऑफ लेवरेज कहा जाता है। ठीक है, तो ये उसका प्लस पॉइंट है। तो आप पॉजिटिवली कैसे देख सकते हो इसको, कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि भैया आपका आरओआई जो है दैट इज ग्रेटर देन 10%, अगर आपका करंट आरओआई इज ग्रेटर देन 10%, तो यू कैन फेवरेबली यूज द लेवरेज। तो आपको डेट लेना चाहिए क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो कि आप 10% से ज्यादा ही कमाओगे, तो कुछ ना कुछ आपको बचेगा, एक्स्ट्रा बचेगा। इक्विटी का जो पैसा है उस पर तो आप कमा ही रहे हो, वो तो उनको मिल ही रहा है। एडिशनली डेट पे भी उनका पैसा चुकाने के बाद, उनका रिटर्न उनको देने के बाद कुछ और एक्स्ट्रा बच रहा है जो आप इक्विटी को ही दे रहे हो। इक्विटी की अर्निंग्स को एम्पलीफाई कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, इसी को कहते हैं लेवरेज। क्लियर है? तो ये पूरा कंसेप्ट है लेवरेज का, आ जाओ। ठीक है, लेवरेज रेफर्स टू इंक्रीज्ड मीन्स ऑफ अकम्प्लिशिंग सम पर्पस, किसी चीज को फटाफट अगर आपको अकम्प्लिश करना है उसको कहते हैं लेवरेज, या लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स उसको भी लेवरेज कहते हैं, और एफ एम में क्या कहते हैं, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहते हैं, टू फर्निश द एबिलिटी टू यूज द फिक्स कॉस्ट एसेट्स और फंड्स टू इंक्रीज द रिटर्न ऑफ इट्स शेयर होल्डर। तो लेवरेज का अलग अलग वही लोगों ने डेफिनेशन भी दिया है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ एसेट्स और फंड्स विच पेज अ फिक्स्ड रिटर्न ऑफ फिक्स कॉस्ट। टाइप्स क्या हैं सर, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज या कंबाइंड लेवरेज, और एक नया पैदा हो गया है वर्किंग कैपिटल लेवरेज। ठीक है, टोटल ऐसे 4 टाइप के लेवरेज हम पढ़ेंगे। तो पहला है सर ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज है बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। अब आपने अकाउंट्स पढ़ा है ऐसा मैं मान रहा हूं, क्योंकि मैं अकाउंट से इसको कनेक्ट करूंगा। अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा मार्जिनल कॉस्टिंग, अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा मार्जिनल कॉस्टिंग, और मार्जिनल कॉस्टिंग में आपने पढ़ा होगा बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, याद आ रहा है? तो बीईपी बेसिकली क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसा वॉल्यूम ऐसा सेल जहां पे आपका नो प्रॉफिट नो लॉस आ रहा है, मतलब आपने आपका पूरा फिक्स कॉस्ट रिकवर कर लिया है, तो वो सेल लेवल को बीईपी सेल कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या रिकवर करते हो वहां पे, फिक्स कॉस्ट, और वही फिक्स कॉस्ट से आप फाइनेंशियल लेवरेज को निकाल रहे हो। तो फाइनेंशियल लेवरेज क्या है, ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है, कि बिजनेस में कितना रिस्क है, और ये मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि बिजनेस में क्या रिस्क है, फिक्स कॉस्ट, कि अगर आपकी सेल जीरो है, अगर आप कुछ भी नहीं सेल कर पाए तो आपका कितना लॉस होगा, जितना आपका फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो ही होगा, सेल जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो ही होगा, और पूरा का पूरा जो फिक्स कॉस्ट है वो आपका पूरा लॉस आ जाएगा। ये सब आप अकाउंट्स में भी पढ़ते हो, ठीक है, कॉस्टिंग का जो पार्ट है अकाउंट्स में उसमें आप पढ़ते हो। ठीक है, तो ये वही है, ये बीपी वाला ही पूरा पॉइंट है, ध्यान दो। ठीक है, द लेवरेज एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जो रिस्क है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आप क्या करते हो, प्रोजेक्ट्स इवेल्युएट करते हो, आप एसेट्स में पैसा लगाते हो, और एसेट्स में पैसा लगाने से क्या होता है, प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने से क्या होता है, उस प्रोजेक्ट के खर्चे होते हैं, फिक्स कॉस्ट कुछ लग जाती है जो हर साल आपको उस प्रोजेक्ट को करने के लिए करनी होती है, उसमें से कम उतना आपको कमाना होता है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से जो रिस्क एमर्ज होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग लेवरेज। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से जो रिस्क एमर्ज होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग लेवरेज। क्लियर है? आ सकता है क्वेश्चन। इट इज कॉस्ट ड्यू टू फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, जो बिजनेस के रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, उनको कवर आपको करना होता है, अगर आप कवर नहीं कर पाए तो आपका लॉस होगा, यही उसका रिस्क है, लेवरेज है। ऑपरेटिंग लेवरेज में बी डिफाइंड एज द कंपनीज एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट टू मैग्निफाई द इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन सेल टू इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। मतलब अगर आप ज्यादा कमाओगे, मतलब लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज को आपको आप समझना है कि अगर मेरी सेल बढ़ते गई,
अगर मेरी सेल डबल हो गई, क्या मेरी सैलरी डबल हो जाएगी? क्या मुझे डबल सैलरी पे करनी पड़ेगी एम्प्लॉयज़ को? नहीं, फिक्स रहती है। रेंट डबल पे करना पड़ेगा? नहीं सर, फिक्स होता है। यही लेवरेज है कि वो फिक्स रहता है। आप अब कितना सेल कर पाते हो ये आपके ऊपर है। आप सेल बढ़ाओ, फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहेगी, वो नहीं बढ़ेगी, वो सेल के हिसाब से सेम प्रपोर्शन में नहीं बढ़ती। यही वो लेवरेज है कि सेल कम हुई तो भी फिक्स कॉस्ट कम नहीं होगी। दोनों साइड समझो, प्लस साइड भी समझो, माइनस साइड भी समझो। प्लस साइड क्या है कि सेल डबल हो गई तो भी मेरा खर्चा डबल नहीं होगा, खर्चा उतना ही रहेगा, जो भी एडिशनल सेल होगी पूरा प्रॉफिट मेरा बचेगा। लेकिन अगर मेरी कल सेल आधी हो गई, सेल कम हो गई, तो भी मेरा फिक्स कॉस्ट कम नहीं होगा, पूरा लॉस मुझे लेना पड़ेगा और कोई भी आपका लॉस नहीं लेगा। तो बोथ साइड ये वर्क करता है, तो इसीलिए इसको ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। बिजनेस के फिक्स्ड एक्सपेंसेस को रिकवर करना आपका मतलब ये रिस्क है, ठीक है। ऑपरेटिंग लेवरेज हैज टू इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये इसलिए मैं आपको मार्जिनल कॉस्टिंग बता रहा हूं क्योंकि सब मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट है। व्हेन द कंपनी इज सेड टू हैव अ हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इफ इट इज एम्प्लॉइंग अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड स्मॉलर अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। क्या आपका वेरिएबल कॉस्ट कम है, फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है, मतलब रेंट बहुत ज्यादा है, सैलरी बहुत ज्यादा है, मैंने फैक्ट्री का जो प्रिमाइसिस का खर्चा है, मेंटेनेंस का खर्चा है, वो बहुत ज्यादा है, मतलब आपके बिजनेस में ऑपरेटिंग लेवरेज थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि आपके बिजनेस में फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है जो आपको रिकवर करना है हर साल। तो हाई फिक्स कॉस्ट वाले बिजनेसेस थोड़े से रिस्की होते हैं, उसमें ऑपरेटिंग लेवरेज थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ वेरियस कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग लेवरेज। अब ये जो लाइन है ये काम किया है, ध्यान दो। ऑपरेटिंग लेवरेज कैन बी डिटरमाइंड विद हेल्प ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है। इसलिए मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं कि वो जो बीईपी में आप निकालते हो वो ऑपरेटिंग लेवरेज ही होती है, वही फिक्स कॉस्ट ही होती है जो आप यहां पे लेते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है, तो अब आते हैं सर फॉर्मूले पे। सिंपल फॉर्मूला है, इसमें आपको मैंने ऑलरेडी बताया भी होगा कि ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो आता है कॉन्ट्रीब्यूशन, यही सब आप मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ते हो, ठीक है। और फिर आप माइनस करते हो फिक्स कॉस्ट, तो आपका आ जाता है प्रॉफिट। ये एक मार्जिनल कॉस्टिंग का स्ट्रक्चर है, और एक जो अपना अकाउंट्स का स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू जीपी, या जो भी आप कहना चाहो जीपी कह दो, माइनस इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी कि फिक्स कॉस्ट, इसी को आप वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हो, ठीक है। और माइनस फिक्स कॉस्ट करोगे तो आएगा नेट प्रॉफिट, यानी उसी को आप कहते हो ईबीआईटी, उसी को कहते हैं ईबीआईटी, ठीक है। और ईबीआईटी में से फिर आप इंटरेस्ट माइनस करते हो, फिर आपका आता है ईबीटी, फिर ईबीटी में से टैक्स माइनस करते हो तो आपका आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, और फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स में से आप माइनस करते हो प्रेफरेंस डिविडेंड, और फिर आता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। ये सब आपने पढ़ा होगा, अकाउंट्स में भी मैंने बहुत बार बताया हुआ है, और जो प्रैक्टिकल एमसीक्यू वाला वीडियो आप देखोगे उसमें भी बताया हुआ है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम ऑपरेटिंग लेवरेज में क्या देख रहे हैं, फिक्स कॉस्ट, ठीक है, मतलब ये फिक्स कॉस्ट। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फिक्स कॉस्ट के ऊपर कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय मतलब ईबीआईटी, इसी को आप यहां पे क्या कहते हो ईबीआईटी, ठीक है। इसी को यहां पे आप कंट्रीब्यूशन कह सकते हो, जीपी का मतलब कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अकाउंट्स में मैं ऑलरेडी आपको ये बता चुका हूं, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, तो यही उसका फॉर्मूला है, मतलब फिक्स कॉस्ट माइनस करने के पहले जो प्रॉफिट आता है वो न्यूमरेटर है, और फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद जो आता है वो डिनोमिनेटर है, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन फिक्स कॉस्ट, तो जितना फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगा उतना इनकी गैप ज्यादा होगी। तो इनकी गैप अगर बहुत ज्यादा है, मतलब आपका फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो ये ज्यादा आएगा रेशो, नंबर ऑफ टाइम्स में आता है, ठीक है। और जितना ये इनका गैप कम होगा, फिक्स कॉस्ट कम होगा, उतना आपका रिस्क कम होगा, ठीक है। तो ये है ऑपरेटिंग लेवरेज। अब ये तो नॉर्मल है, स्टैटिक, एक स्टैटिक डेटा पे अगर आप निकाल रहे हो तो नॉर्मल ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। पर अगर आप चेंज के हिसाब से देख रहे हो कि मेरी सेल इतनी बढ़ गई या कम हो गई, अब उसका क्या इफेक्ट होगा ये आपको देखना है, तो उसको कहते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कब आता है, जब आपको चेंज का इफेक्ट देखना है।
आपको चेंज का इफेक्ट देखना है कि भाई मेरा अगर कॉन्ट्रीब्यूशन बदल गया बिकॉज ऑफ सेल, तो अब ईबीआईटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको देखना है। तो आप ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चेंज को स्टडी करने के लिए ये यूज किया जाता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक है। दोनों अलग अलग है, दोनों की सिचुएशन अलग है, मतलब दोनों का सेम है, मतलब दोनों का सेम है, दोनों सेम चीजें पर सिचुएशंस अलग अलग हैं। अगर आप एक स्टैटिक एक साल के डेटा से निकालना चाहते हो तो आप ऑपरेटिंग लेवरेज कह के निकालोगे, और अगर आप 2 साल के फैक्टर्स से चेंज के हिसाब से अगर आप उसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसको कहते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक है। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज में भी डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम रिजल्टिंग फ्रॉम, ठीक है, आपका ईबीआईटी कितना बदल रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन। न्यूमरेटर बदलने के वजह से डिनोमिनेटर कितना बदल रहा है, ये अगर आपको देखना है तो ऑपरेटिंग लेवरेज से आपको ये पता चलेगा, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी रिजल्टिंग फ्रॉम, ईबीआईटी के पहले क्या निकलता है भाई, कॉन्ट्रीब्यूशन निकलता है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन बदलेगा तभी तो ईबीआईटी बदलेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन बदलेगा तभी तो ईबीआईटी बदलेगा ना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो बदल नहीं रहा, फिक्स कॉस्ट सेम है। अब फिक्स कॉस्ट जब सेम है, ईबीआईटी बदल रहा है तो वो क्यों बदलेगा भाई, कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से। अब कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों बदलेगा, सेल के वजह से या वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, उसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो आपको अगर ये देखना है कि भैया अगर एक सर्टन चेंज आया है मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन में, और अब कितना इफेक्ट उसका आएगा ईबीआईटी में, परसेंटेज टर्म्स में आपको देखना है, तो आप ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल सकते हो, देख सकते हो, उससे आपको एक इफेक्ट समझ में आ जाएगा। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी रिजल्टिंग फ्रॉम अ परसेंटेज चेंज इन सेल, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन, इट कैन बी कैलकुलेट दिया है, तो परसेंटेज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज इन सेल, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन के जैसे ही हो रहा है, पर कॉन्ट्रीब्यूशन में नॉर्मली चेंज क्यों आता है, सेल के जैसे, सेल बढ़ती है, सेल कम होती है, सेलिंग प्राइस बदलता है, सेलिंग वॉल्यूम बदलता है, तो सेल्स के हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। बेस ध्यान रखना है, यानी इसका उल्टा है, इसका ऑपोजिट है, इसका ऑपोजिट है। तो यहां डिनोमिनेटर में ईबीआईटी है, यहां न्यूमरेटर में आ जाएगा, सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन के जगह पे क्या आ जाएगा, सेल। अब अगर आपने मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा है तो आपको पता होगा परसेंटेज चेंज इन सेल और परसेंटेज चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों इक्वली आएगा, दोनों इक्वली आएगा, जितने परसेंट से सेल चेंज होता है एग्जैक्टली उतने ही परसेंटेज से कॉन्ट्रीब्यूशन भी बदलता है, प्रोवाइडेड वेरिएबल कॉस्ट कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो ये वही है, बस उल्टा कर दो, चेंज इन ईबीआईटी अपॉन चेंज इन सेल, तो उससे आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाएगा। ये भी ऑपरेटिंग लेवरेज ही है, सिर्फ चेंज के डेटा से आपने निकाला है, इसीलिए उसको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। अब इसको यूज कहां करना है ध्यान दो, ऑपरेटिंग लेवरेज वन ऑफ द टेक्निक्स टू मेजर द इम्पैक्ट, ठीक है। आपको इम्पैक्ट समझना है कि अगर मेरा सेल बदला है, बड़ा है या कम है, अब उसका ईबीआईटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये आप ऑपरेटिंग लेवरेज से निकाल सकते हो, ये आप ऑपरेटिंग लेवरेज से निकाल सकते हो, ठीक है। तो दिया है इंपैक्ट ऑफ चेंजेस इन सेल विच लीड फॉर अ चेंज इन प्रॉफिट, यानी ईबीआईटी ऑफ द फर्म, इफ एनी चेंज इन सेल्स इट विल लीड टू करस्पॉन्डिंग चेंज इन प्रॉफिट, सेल का इफेक्ट पूरा डाउन द लाइन सब पे पड़ेगा। ऑपरेटिंग लेवरेज हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द पोजिशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, कि कितना प्रोपोर्शन है, कितना इफेक्ट होगा। ऑपरेटिंग लेवरेज मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड रेवेन्यू ऑफ द फर्म, यानी सेल एंड ईबीआईटी ऑफ द फर्म। ऑपरेटिंग लेवरेज हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ फिक्स कॉस्ट विच इज इन्वेस्टेड इन द ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, इट डिस्क्राइब्स द ओवरऑल पोजिशन ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, कि कितने ऑपरेटिंग खर्चे हैं आपके, कम है ज्यादा है, वो आपको पता चलेगा और उसके हिसाब से इसका इंपैक्ट पड़ता है। तो एक एग्जाम्पल ले ही लेता हूं, चलो टाइम है अपने पास थोड़ा सा, ध्यान दो कि सेल है 1 लाख और बढ़ के हो गई 2 लाख, ठीक है। कितना परसेंटेज चेंज है सर, 100%, डबल मतलब 100% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कि वेरिएबल कॉस्ट है मेरा 60%, तो 60,000 आएगा, 1 लाख का 60% 60,000, तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 40,000, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 40,000। सेम गोज फॉर दिस, वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगा 60%, तो ये आएगा 1,20,000 और ये आएगा 80,000, ठीक है, एग्जैक्टली सेम आता है। फिर मेरा फिक्स कॉस्ट है फॉर एग्जाम्पल 25,000, तो ये मेरा प्रॉफिट आ गया, ईबीआईटी आ गया 15,000। और अब यहां ध्यान देना है कि ये फिक्स्ड ही रहेगा, 25% 25,000 ही रहेगा फिक्स कॉस्ट,
तो अब ये मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 55,000। आ रहा है ख्याल में? तो ये डेटा से अगर आपको ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। आए ख्याल में कि मेरा ये जो 100% सेल बढ़ा इसके वजह से कितना इंपैक्ट पड़ा, ये आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो बोलो चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। पहले परसेंटेज चेंज निकालो। कैसे निकालते हैं सर? 55,000 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाय 15,000 निकालो। ठीक है, निकालो तो ये आएगा 266%। ठीक है, 266% से आपका ईबीआईटी बढ़ा है। ठीक है, तो 266% डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सेल कितना है, 100%। कैसे 100%? 2 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, तो 100% आएगा। तो ये है, तो आपका लेवरेज कितना है सर? ये आएगा 2.66 टाइम्स, 2.66 टाइम्स। ठीक है, मतलब सेल में जितना भी चेंज होगा, इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, बोथ वेज ये वर्क करता है कि जब भी सेल में कोई भी बदलाव आएगा उसका 2.66 टाइम्स ज्यादा इफेक्ट ईबीआईटी पे आएगा। तो जैसे सेल 100% से बढ़ाए तो मेरा ईबीआईटी 266% से बढ़ाए, और अगर उल्टा हुआ, 100% से मेरा सेल कम हुआ, अब 100% से कम तो नहीं होगा ना, जीरो हो जाएगा। तो अगर 1% का एग्जाम्पल है, 1% से मेरी सेल कम हुई तो 2.66% से मेरा ईबीआईटी कम होगा। तो इससे आपको इफेक्ट पता चलता है कि 1% के वजह से 2.66 टाइम्स का इफेक्ट ईबीआईटी पे पड़ रहा है। इतना मतलब इफेक्ट है ऑपरेटिंग लेवरेज का आपके नंबर्स पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, कि जो लोन आपने लिया है उसके वजह से जो एडिशनल रिस्क आप ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल लेवरेज। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि ऑप्शनल है। अगर आप लोन नहीं लोगे, अगर आप बाहर से बोरोइंग नहीं लोगे, तो आपकी फाइनेंशियल लेवरेज जीरो हो जाएगी। मतलब ये आप कम कर सकते हो, जीरो भी कर सकते हो, पर ऑपरेटिंग लेवरेज जीरो नहीं हो सकती। ऑपरेटिंग लेवरेज को आप एलिमिनेट कंप्लीटली नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो फाइनेंशियल लेवरेज क्या है सर? कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से जो रिस्क एमर्ज होता है उसको कहते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, लेवरेज एक्टिविटी विथ फाइनेंशियल एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान देना है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से कौन सा लेवरेज आता है? ऑपरेटिंग लेवरेज। और फाइनेंशियल एक्टिविटीज से क्या आता है? फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, ये क्या रिलेशन बताता है ईबीआईटी और ईबीटी का? ठीक है, मतलब ये जो मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट के ऊपर का अमाउंट डिवाइडेड बाय नीचे का अमाउंट, सेम लॉजिक है। वहां फिक्स कॉस्ट के ऊपर का अमाउंट डिवाइड बाय नीचे का अमाउंट, यहां पे इंटरेस्ट के ऊपर का अमाउंट डिवाइड बाय नीचे का अमाउंट। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ठीक है, तो ईबीआईटी के चेंज के वजह से ईबीटी पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको देखना है। ईबीआईटी के चेंज के वजह से ईबीटी पे कितना फर्क पड़ेगा, ये आपको देखना है। ठीक है, अब टैक्स तो होता नहीं है, सारे थेरीज में हर जगह आप पढ़ते हो टैक्सेस है ही नहीं, तो और प्रेफरेंस डिविडेंड भी होता नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स ही नहीं होते। डेट या इक्विटी दो ही सोर्सेज होते हैं। तो जितना ये ईबीटी बचता है डायरेक्टली ये ही ईपीएस बनता है, ये आपको समझना है। अकॉर्डिंग टू द अजम्पशन जो आप लेते हो, तो जो ईबीटी बचता है पूरा ईबीटी शेयर होल्डर्स को बचता है, और उसी से ईपीएस पूरा निकलेगा, अर्निंग पर शेयर निकलेगा। ठीक है, तो ध्यान दो, तो वही दिया है, रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनीज ईबीआईटी, जिसको आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह सकते हो, एंड द अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स, यानी ईबीटी। ईबीटी ही पूरा अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स बचता है। तो फाइनेंशियल एवरेज क्या है? एबिलिटी ऑफ द फर्म टू यूज फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस टू मैग्निफाई द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन ईबीआईटी ऑन द अर्निंग पर शेयर। ठीक है, मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, काफी अलग अलग जगह पे बता चुका हूं। द यूज ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इंटरेस्ट बेरिंग डेट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अलॉन्ग विद द शेयर कैपिटल इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल लेवरेज। ऑल ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, इक्विटी पे आप ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि जो भी प्लस माइनस हुआ वो इक्विटी को उसका इफेक्ट देना पड़ेगा। अगर आपने, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था 100 करोड़ वाला, ये जो है कि अगर आप 10 करोड़ से ज्यादा कमाओगे तो ऊपर का अमाउंट इक्विटी को मिलेगा, अगर आप 10 करोड़ से कम कमा पाए तो वो जो माइनस भी है वो भी इक्विटी से माइनस होगा। तो जो भी आप कर रहे हो वो इक्विटी शोल्डर्स के लिए कर रहे हो, इसीलिए इसको कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इक्विटी पे आप ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि रिस्क किसको लेना है? इक्विटी वालों को। आ रहा है ख्याल में?
फायदा हुआ तो भी इक्विटी का, नुकसान हुआ तो भी इक्विटी का, ठीक है। इक्विटी उसका बेस होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या है सर, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ठीक है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इंटरेस्ट के ऊपर का अमाउंट ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट के नीचे का अमाउंट दैट इज ईबीटी, ठीक है। और सेम डिग्री तो उल्टा कर दो, उल्टा करो तो ईबीटी की जगह अब सिर्फ क्या आएगा, ईपीएस, ठीक है, और ईबीआईटी सेम रहेगा, ठीक है। ध्यान दो, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल एवरेज, परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल प्रॉफिट एज ए रिजल्ट ऑफ परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो बस ईबीटी के जगह पे क्या लेना है, ईपीएस। जैसे हमने कॉन्ट्रीब्यूशन की जगह सेल लिया था, बस वही याद रखना है, जैसे हमने कॉन्ट्रीब्यूशन की जगह सेल लिया था, क्योंकि दोनों का चेंज सेम होता है, वैसे ही ईबीटी जो है पूरा वो ईपीएस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ईबीटी को ही आप ईपीएस यहां पे मान सकते हो, क्योंकि टैक्सेस होता नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स भी नहीं होते, ठीक है। तो उल्टा है, ऐसा आपको याद रखना है, ईबीआईटी नीचे आ जाएगा और ईबीटी की जगह ईपीएस आ जाएगा, ठीक है। तो यही सब है यार, सब रिपीट रिपीट दिया हुआ है। तो ईबीआईटी और ईपीएस का रिलेशन अगर आपको देखना है तो वो है फाइनेंशियल लेवरेज। अब एक आता है फाइनेंशियल बीपी, ठीक है। जैसे हमने ऑपरेटिंग लेवरेज में क्या पढ़ा था, नॉर्मल बीपी, नॉर्मल बीपी जो हम मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ते हैं वो ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए ही होता है। सिमिलर कंसेप्ट आप फाइनेंशियल कॉस्ट यानी कि फाइनेंशियल लेवरेज के लिए भी यूज कर सकते हो, उसको कहते हैं फाइनेंशियल बीपी। ऐसा अर्निंग जहां पे आपका मतलब जीरो हो जाए प्रॉफिट, ठीक है। तो कैसा है देखो, इट इज द लेवल ऑफ ईबीआईटी, ऐसा ईबीआईटी लेवल जहां पे सारे फिक्स कॉस्ट अगर आप माइनस कर लो तो आपका जीरो प्रॉफिट आ जाएगा, ऑल फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट कवर हो जाएंगे एंड द ईपीएस विल बी जीरो, ठीक है। जहां पे आपका ईपीएस जीरो हो जाएगा आफ्टर रिकवरिंग ऑल द फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट कॉस्ट, वो आ जाएगा फाइनेंशियल बीपी। ऐसा ईबीआईटी का लेवल, ठीक है, ईबीआईटी का लेवल, सेल का लेवल नहीं। नॉर्मल बीपी सेल के हिसाब से निकलता है, फाइनेंशियल बीपी जो है वो ईबीआईटी के हिसाब से निकलता है कि ऐसा ईबीआईटी जिसपे आपका इंटरेस्ट माइनस करके जो प्रॉफिट बचता है यानी ईपीएस जो बचता है वो जीरो हो जाएगा। तो जीरो ईपीएस जो लेवल पे आएगा उस ईबीआईटी को कहते हैं फाइनेंशियल बीपी, ठीक है। तो नॉर्मल बीपी किसके लिए यूज होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज। तो वो क्या बताता है, ऐसा सेल जहां पे प्रॉफिट आपका जीरो है, ऐसा सेल जहां पे प्रॉफिट जीरो है। और फाइनेंशियल बीपी क्या है, फाइनेंशियल लेवरेज के लिए, ठीक है। और वो बताता है ऐसा ईबीआईटी जहां पे ईपीएस जीरो है। आ रहा है समझ में, फर्क समझो, अकाउंट्स में ही पढ़ाता हूं ना बेटा, तो इसका फायदा लो, ठीक है, लिखो। ये फर्क है, इस पे आप कुछ भी घुमा के क्वेश्चन आ सकता है। लिखते जाओ, बढ़े आगे चलो। और एक आता है इनडिफरेंस पॉइंट, ये अपन ने जो ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस पढ़ा ना ऊपर, उससे रिलेटेड है। ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस कि अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर को आप कंपेयर कर रहे हो और आप देख रहे हो कि किसमें ईपीएस ज्यादा है, जिसमें ईपीएस ज्यादा होगा वो कैपिटल स्ट्रक्चर आप चूज करते हो, ये हमने वहां पढ़ा। अब इसी को एक अलग ढंग से भी आप यूज कर सकते हो, उसको कहते हैं इनडिफरेंस पॉइंट। उसी एनालिसिस से आप ये भी पता कर सकते हो कि ऐसा कौन सा ईबीआईटी का लेवल है, ऐसा कौन सा ईबीआईटी का लेवल है जहां पे ईपीएस सेम आ रहा है, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इनडिफरेंस पॉइंट, फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो वो ईबीआईटी के लेवल को इनडिफरेंस पॉइंट कहते हैं। फाइनेंशियल बीपी भी क्या है, ईबीआईटी का लेवल है, आ रहा है समझ में। फाइनेंशियल बीपी भी क्या है, ऐसा ईबीआईटी का लेवल है जहां पे ईपीएस जीरो है। सिमिलरली ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर, ऐसा ईबीआईटी लेवल जहां पे ईपीएस सेम आ रहा है, अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर्स का ईपीएस सेम आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, सेम आ रहा है। क्या आपका एक गिवन ईबीआईटी है जो आप
एक पर्टिकुलर कैपिटल पे कमाने वाले हो। 10 लाख का अगर आपका कैपिटल है तो आए आप एक पर्टिकुलर ईबीआईटी कमाओगे, कैपिटल स्ट्रक्चर का उससे कोई लेना देना नहीं है, पूरी लागत पे आप एक रिटर्न कमाते हो। तो वो ऐसा कौन सा रिटर्न है, ऐसा क्या लेवल है जहां पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या स्ट्रक्चर यूज करते हो, इनडिफरेंस पॉइंट कि फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कौन सा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, आपका ईपीएस सेम ही आएगा। तो उस ईबीआईटी के लेवल को कहते हैं इनडिफरेंस पॉइंट, जहां पे फर्क नहीं पड़ता कैपिटल स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो इट इज द पॉइंट एट विच डिफरेंट सेट्स ऑफ डेट रेशियो यानी कैपिटल स्ट्रक्चर गिव्स द सेम ईपीएस। तो जीरो ईपीएस पूछा है तो फाइनेंशियल बीपी आएगा, सेम ईपीएस पूछा है तो इनडिफरेंस पॉइंट आएगा, ठीक है। फर्क समझ लो, इनडिफरेंस पॉइंट, ठीक है। ऐसा ईबीआईटी का लेवल जहां पे सेम ईपीएस आ रहा हो, ठीक है। ऐसा ईबीआईटी का लेवल जहां पे सेम ईपीएस आ रहा हो, उस ईबीआईटी को इनडिफरेंस पॉइंट कहा जाएगा। जो लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पैसा आप कहां से ला रहे हो, कौन से स्ट्रक्चर से ला रहे हो, कितना डेट से ला रहे हो, कितना इक्विटी से ला रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ईपीएस सेम ही आएगा। और ऐसा एक पॉइंट आता है, ठीक है, तो वो आप निकाल सकते हो। चलिए बड़े आगे लिख लो। चलिए तो पूरा डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया है मैंने सर, फटाफट ऊपर ऊपर से पढ़ लो, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है। ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का इफेक्ट बताता है और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का इफेक्ट बताता है, सेम ही है। देखो सब क्या बोलूँ मैं, फॉर्मूले ही दिए हैं, परसेंटेज चेंज इन दिस ऑपरेट, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। यहाँ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नहीं कर सकते, यहां ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नहीं कर सकते ऑपरेटिंग लेवरेज में, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहां कर सकते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज में, ठीक है। ये एक पॉइंट है जो आया नहीं था, ठीक है, ध्यान दो। तो ये ध्यान देना है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज पॉसिबल इन फाइनेंशियल लेवरेज, बट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज नॉट पॉसिबल ऑन ऑपरेटिंग लेवरेज। कुछ खास नहीं, फालतू पॉइंट्स ये, ठीक है। तो दो तीन पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप बना लो तो उसको कहते हैं कंबाइंड लेवरेज या कॉम्पोजिट लेवरेज या टोटल लेवरेज, ठीक है। अलग अलग नाम है, कॉम्पोजिट लेवरेज और टोटल लेवरेज, ठीक है। तो बोथ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लेवरेज को अगर आप ऐड कर लो तो उसको कहते हैं कंबाइंड लेवरेज, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होगा कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। तो मतलब वो दिया है कि दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो ईबीआईटी ईबीआईटी कट हो जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी ही बचेगा, ठीक है। और चेंज वाला डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज अगर आपको देखना है तो सीधे दोनों के एक्सट्रीम, चेंज इन ईपीएस अपॉन चेंज इन सेल, ठीक है। दोनों के फॉर्मूले पहले मैं लिख देता हूं कि ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या था, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल, फिर इनटू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ऐसा दोनों का फॉर्मूला था। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कट हो जाएगा तो बचेगा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला उसी तरह से मल्टीप्लाई करके निकलता है, ठीक है। या सीधे सीधे दोनों अगर आपको पता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, दोनों को लेवरेज को भी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्टली डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे उसके फॉर्मूलेज हैं जो प्रैक्टिकल एमसीक्यू में आपको समझ में आएंगे। और फिर एक है वर्किंग कैपिटल लेवरेज, अब ये नया नया है और इसका कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है क्योंकि वर्किंग कैपिटल का डायरेक्टली कोई कनेक्शन ही नहीं है, फिक्स्ड एसेट्स का सेल्स का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, वर्किंग कैपिटल का कोई किसी से कनेक्शन ही नहीं होता है। तो दो बहुत ही डाइवर्स पॉइंट्स को कनेक्ट करके कुछ तो लॉजिक निकालना चाह रहे हैं, पर कोई ऐसा है नहीं, ठीक है। ध्यान दो क्या है, इट इज वन ऑफ द न्यू मॉडल्स ऑफ लेवरेज इज वर्किंग कैपिटल लेवरेज विच इज यूज टू लोकेट द इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट इन द कंपनी। वर्किंग कैपिटल लेवरेज मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, टू द चेंजेस
इन लेवल ऑफ करंट एसेट, कि आप आरओआई को वर्किंग कैपिटल से कंपेयर कर रहे हो। अब आरओआई किस पे आता है? फिक्स्ड एसेट पे आता है। वर्किंग कैपिटल से डायरेक्टली कैसे कनेक्ट करोगे? वर्किंग कैपिटल तो प्रोडक्टिव एसेट है ही नहीं, वो तो लिक्विडिटी के लिए होता है, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बट स्टिल इन्होंने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखो, परसेंटेज चेंज इन आरओआई, जितना आरओआई में चेंज आ रहा है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो आरओआई की वजह से कैसा कितना कैपिटल आपको रखना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल, ये आप निकाल सकते हो, और इसको कहेंगे वर्किंग कैपिटल लेवरेज, ठीक है। कोई लॉजिक नहीं है इसलिए ये थोड़ा सा कम समझेगा, ऐसे ही बस फॉर्मूला याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। चलिए सर, तो ये था आपका पूरा लेवरेज, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पंच वर्ड्स मैंने आपको बता दिए, और फटाफट मैं आपको एंड गेम नोट्स भी दिखा देता हूँ। एंड गेम नोट्स सारे देखो कवर हो गए हैं, नहीं हुए होंगे तो कर लेंगे। बोलो, तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल स्ट्रेटजी का रिफ्लेक्शन क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। फाइनेंशियल स्ट्रेटजी या ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का रिफ्लेक्शन किस में दिखता है? कैपिटल स्ट्रक्चर में, ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में नहीं दिखता है, कैपिटल स्ट्रक्चर में दिखेगा। फिर काइंड्स तो हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, पूरा टेबल में कवर कर लिया था। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा? जीरो डेट, स्टेबल रहेगा क्योंकि पूरा इक्विटी है। वर्टिकल में क्या होगा? अनस्टेबल है और हॉस्टाइल टेकओवर का इफेक्ट रहेगा, और इक्विटी बहुत ही कम होता है, डेट बहुत ज़्यादा होता है। फिर पिरामिड में सेम, कि इक्विटी और रिटेन अर्निंग बहुत ज़्यादा होता है, डेट लेकिन होता है, कम होता है लेकिन होता है, और रिस्क एवर्स कंजर्वेटिव फर्म ऐसा स्ट्रक्चर लेती हैं। इन्वर्टेड पिरामिड तो खड़ा ही नहीं हो सकता, तो वो सीधे कोलैप्स हो जाएगा, वल्नरेबल टू कोलैप्स। और इसमें क्या होता है? इक्विटी बहुत कम होता है और डेट बहुत ज़्यादा इसमें होता है, ठीक है। तो ऐसा आपको पता है कि ऐसे सिमिलैरिटी है। फिर है जो अपन ने पढ़ा कि दोनों में फर्क क्या है, करंट लाइबिलिटी का क्या क्या आता है वो हमने पढ़ लिया है, और दोनों में फर्क क्या है, करंट लाइबिलिटी। फिर ऐसा डेट इक्विटी रेशियो जो बेस्ट है, जहां पे वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। फिर चार थेरीज पढ़े थे हमने, डिटेल में सब पढ़ लिया है सर। फिर है कि एबिलिटी टू यूज फिक्स कॉस्ट टू इंक्रीज द रिटर्न, उसको क्या कहते हैं? लेवरेज, सेम लेवरेज। फिर है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से जो लेवरेज जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग लेवरेज। और ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे डिटरमाइन होता है? बीईपी से, ठीक है, बता दिया मैंने आपको। फिर है डिग्री का जो है, कि दो कौन से नंबर्स को आप कंपेयर करते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स यानी ईबीआईटी को कंपेयर करते हो परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है, डिग्री का फॉर्मूला है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। फिर है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जो जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल लेवरेज। और फाइनेंशियल लेवरेज में दो नंबर्स कौन से कंपेयर होते हैं? ईबीआईटी और ईपीएस यानी ईबीटी या जो भी बोलो। फिर ये फेवरेबल या अनफेवरेबल हो सकता है, ठीक है, अगर आप आरओआई आपका ज़्यादा है तो उसको कहेंगे पॉजिटिव, आरओआई उससे कम है तो उसको कहेंगे नेगेटिव, ठीक है। इफ आरओआई इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट तो ये क्या है? फेवरेबल, आप लेवरेज का पॉजिटिव मतलब इफेक्ट ले सकते हो। और अगर आपका आरओआई कम है कॉस्ट ऑफ डेट से तो वो होगा नेगेटिव, ठीक है। तो मैं आपको बता चुका हूँ बार बार, आगे बढ़ते हैं। फिर है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है, चेंज इन टैक्सेबल प्रॉफिट एज अ परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल बीपी क्या है? जहां पे ईपीएस जीरो होगा। कंबाइंड लेवरेज क्या है? पूरा मतलब सेल्स को ईपीएस से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, सेल्स को ईपीएस से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। सेल को क्या कहा गया है? रेवेन्यू। और टैक्सेबल इनकम को सीधे क्या क्या है? ईपीएस, ठीक है। फिर ये पूरा टेबल हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था, याद करो कि वाइल डिजाइनिंग अ कैपिटल स्ट्रक्चर आपको क्या ध्यान देना है, कि वो फंक्शनल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस फुलफिल करना चाहिए। तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव। और फिर ऑप्टिमल स्ट्रक्चर क्या होता है? जहां पे बेस्ट डेट टू इक्विटी रेशियो होता है। सेम लाइन है, अलग अलग फिल इन द ब्लैंक आ सकते हैं। और एबिटा क्या है सर? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एंड इज यूज फॉर द वैल्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो ये पूरे देखो पंचवर्ड्स हैं, ये पूरे आपके पंचवर्ड्स हैं।
तो आई होप सारी चीज़ें मैंने अच्छे से डिटेल में कवर कर ली हैं, काफ़ी फायदा आपको हुआ होगा, ठीक है। और आपका भी क्या जिम्मेदारी है, एमसीक्यू का वीडियो आपको देखना है, एमसीक्यू का वीडियो ये है, ठीक है। लेवरेज का पार्ट 3 है और कैपिटल स्ट्रक्चर थेरीज पे जो क्वेश्चंस हैं वो पार्ट 4 में मैंने पढ़ाए हुए हैं और उस पूरी सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। पूरा वीडियो अगर आपको नहीं देखा है, वीडियो लाइक ज़रूर कर देना भाई, सही में बहुत मतलब मोटिवेशन मिलता है फ्रेंकली, तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि वो लोग ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा कंटेंट ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपको लगता है कि अच्छा कंटेंट है, डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको भी उनको फ़ायदा पहुँचाएं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम जल्द ही उसका वीडियो आ जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच देखने के लिए, टाइम देने के लिए। आई होप कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा हुआ होगा, आई होप मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर 4 हम पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। थैंक यू सो मच।